आदिकाल से आदि पुरुष के आविर्भाव की, प्रादुर्भाव की, अवतरण की संभावनाएं रही हैं। इस धरती पर संभावनाएं अनंत हैं और उन्हीं अनंत संभावनाओं में एक दैवी संभावना यह है कि जो निर्गुण है, निराकार है, अव्यय है, अगम अगोचर है, असीम निसीम है, अतुल विपुल है, विभू प्रभु स्वयंभू है, अनाद है, वह सगुण होकर, साकार होकर जो असाध्य जैसा है, वह सरल होकर, साधारण होकर, सामान्य जीव के लिए सहपथिक बनकर आता है। इसलिए यहां मनुष्य के लिए असंभव जैसा कुछ नहीं। ये सच है, कुछ अप्राप्य है, दुसाध्य है, दुस्तर है, दुसाध्य है, बड़ा जटिल सा है, कठिन सा है, पर जो दुसाध्य है, असाध्य है, अप्राप्य है, अलभ्य है, वो सहज प्राप्य और सुलभ श्रद्धा के कारण हो जाता है। साधन उसे साकार कर देते हैं। वे असाधारण साधन है, फिर दैवीय साधन है। वे साधन अत्यंत दिव्य और महनीय है। सामान्य जप तप पूजा उपासना अर्चना ध्यान प्राणायाम समाधि यज्ञ योग और जितने भी शास्त्रोक्त वेदोक्त उपाय हैं, वे बड़े न्यून से हैं, बड़े थोड़े से हैं, क्योंकि शास्त्र भी ऐसा ही कहते हैं, वेद स्वयं ऐसा कहते हैं कि वो नेति नेति है, न इति न इति, उसका कोई अंत मध्य आरंभ है नहीं। तो साधन जितने हैं वे योग्यता पात्रता के लिए हैं, वे अंतःकरण की निर्मलता के लिए हैं, वे निराभिमान्यता के लिए हैं, अहम निवृत्ति के लिए, मन की मूढ़ता, चित्त का चांचल्य, बौद्धिक भ्रम, देह जड़ता, अंतर की हट धर्मिता और वृत्तियों में जो विकृति है उसके शमन के लिए है। तो साधनों का प्राय फल ये है कि चित्त में एकाग्रता आ जाएगी या कि निरुद्धावस्था आ जाएगी। तो बड़ी से बड़ी जो निरुद्धावस्था है उसका फल निर्वितर्क निर्विकल्प, निर्वितर्क निर्विकल्प, निर्गुण निर्विचार निर्बीज समाधि है। बड़ा साधन कई बार सवितर्क निर्वितर्क निर्विकल्प सविकल्प निर्बीज सबीज निर्विचार सविचार निर्गुण या सगुण सत्ता के साथ जोड़कर उस पर विचार कर लेता है।
लेकिन कई बार वे साधन कर्तापन का अभिमान भी बन जाते हैं। एक ऐसा साधन जो न केवल अल्पता, न्यूनता, रिक्तता, शून्यता, हमारी असहजता, असंगतता, हमारी अंतःकरण की दौर्बल्यता को दूर करे, बल्कि हमें परिपूर्णता की अनुभूति करा दे। पूर्णता पदार्थ से नहीं आएगी, बहुत पदार्थों के बाद पूर्णता नहीं आएगी, पूर्णता चिंतन का परिणाम है। दैवीय साधनों का परिणाम है पूर्णता का अनुभव। इसलिए कभी कभी साधक ऐसा भी कहे अपनी प्रार्थनाओं में कि हे परमात्मा, तेरी कृपा से मैं वंचित नहीं हूं, तेरी कृपा हर जीव पर बराबर है, पर मेरी प्रार्थनाएं इसलिए नहीं है कि तू मुझ पर कृपा करे, मेरी प्रार्थना इसलिए है कि तेरी कृपा मेरा अनुभव बन जाए, तेरी कृपा मेरा अनुभव बने, मेरी मान्यता तो है कि तू कृपालु है, मैंने सुना है, शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं, प्रत्येक सिद्धांत यही कहता है, तो एक आध्यात्मिक मान्यता है हमारी ये कि भगवान दयालु हैं, कृपालु हैं, समदर्शता हैं, निरंतर आसपास हैं, उनसे हम कहीं विलग नहीं, इष्ट की अत्यंत निकटता हमारे पास है, ईश्वर से एक पल भी हम कभी दूर नहीं, ये दैवीय मान्यताएं हमारी अनुभव नहीं है ना। मान्यता में अनुभव में अंतर है। तो ये हमारे भीतर की मान्यता है, स्वीकृति है, ये बड़ी गहरी हमारी एक आस्था है, ये हमारा बड़ा विश्वास है। तो विश्वास में, आस्था में, मान्यता में, स्वीकृति में, धारणा में बड़ा अंतर है, एक अंतर है अनुभव। तो ईश्वर की कृपा हमारा अनुभव बने, मान्यता तो है, तो वे कौन से साधन हैं जिनसे ईश्वर की कृपा अनुभव बनती है और परिपूर्णता का, आनंद का, संपन्नता, स्वास्थ्य और सौंदर्य का, सिद्धि और समाधान का अनुभव बनता है। बहुत साधनों के आ जाने से कोई समाधान हो जाएगा, सिद्धि का अनुभव होगा, संपन्नता का अनुभव होगा, बहुत कोई गोरा रंग मिल जाए तो हम कहीं सुंदरता का अनुभव करेंगे, ये बात नहीं है। सुंदरता, सौंदर्य, संतुष्टि, पुष्टि, तृप्ति, पूर्णता, परिपूर्णता, आनंद, ये अनुभव बने हमारा। तो ब्रजवासियों को ये अनुभव हुआ, इसे ब्रजवासियों का कोई पहला अनुभव है तो वो आनंद का अनुभव है, इसलिए वो सहसा कहने लगे, नंद के छोरा भय हुए लड़का हो गया, ऐसा कोई नहीं कहता, वे सब कहते हैं नंद के आनंद भय। तो नंद के बालक हुआ है, पुत्र हुआ है, नंद के यहां कोई छोरा हुआ है, नहीं, उन सब का एक अद्भुत अनुभव है। जब ब्रह्म का आगमन होगा, जब ईश्वर आता है, हमारे महत साधनों का फल जब मिलता है तो उसका फल ईश्वर है। कभी इस साधन पे तो चर्चा करके देखें कि वो कौन से साधन हैं जिसका फल परमात्मा है। कुछ साधन ऐसे हैं जिनका फल सिद्धि है, प्रसिद्धि है, दिग्दिगंत में कीर्ति है, प्रकृति पर विजय है, देव सत्ता आपके अधीन हो गई, आप इंद्रादि बन गए, लोक लोकांतरों के
सुख और वैभव आपके अधीन हो गए। लेकिन वे कौन से साधन हैं कि परमात्मा की निकटता, समीपता, अंतरंगता, एकात्मता, तादात्म, तद्रूपता, तदाकारता और उसके उसके साकारता आपको मिले। ये तो बड़े साधन हैं। कोई इसे ब्रजवासियों का अद्भुत अनुभव है, नंद के आनंद भय, उनका अनुभव परिपूर्णता का है, तृप्ति का है, मोद माधुर्य है, मांगल्य उल्लास है। ये परमात्मा का फल है। जब भगवान का आगमन होगा जीवन में, तब उल्लास, प्रसन्नता, प्रीति, आनंद, माधुर्य, हर चीज मीठी सी लगने लगेगी। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, उसका उसका फल ही माधुर्य है, उसका फल ही पूर्णता है, आनंद है। इसे सुखदेव मुनि ने कहा, हे राजन, तत आरभ्य नंदस्य व्रजय सर्व समृद्धिवान। सबको समृद्धि संतुष्टि की अनुभूति हुई, ऐसा भगवान ने नहीं कहा था, लेकिन लक्ष्मी अपना स्थान छोड़कर चल पड़ी अनायास, ये जानकर कि इतने अधिक निराभिमानी, निर्वैद्य, जिन्हें कोई वेदना नहीं, जो कभी किसी को वेदना नहीं दे सकते, जिनसे कभी किसी को भय नहीं लग सकता, जो कभी किसी को आहत व्यथित नहीं कर सकते, इतने सुंदर मन के प्राणी कभी नहीं देखे, ऐसा जानकर लक्ष्मी जी चल पड़ी। उन्हें एक ही तत्व आकर्षित करता है, वह निराभिमान्यता, वह ऐन्द्रिक पावित्र, वह है मन की शुचिता, वह है बुद्धि की सरलता, पवित्रता में, स्वच्छता में, दिव्यता में लक्ष्मी का वास है। ये अंतर नहीं पड़ता है कि वे कृषक हैं, किरात हैं, कोल भील हैं, गर्रीय गुजर हैं, अहीर यादव हैं, वे कौन हैं? वे पशुपालक हैं, गर्रीय हैं, ये नहीं। अंतःकरण क्या है? कैसा अंतःकरण है? तो अंतःकरण की निर्मलता, शुचिता, पवित्रता, ऐन्द्रिक एक जितेंद्रियता देखकर लक्ष्मी जी अपने आप चल पड़ी और व्रज में आकर वो स्थान ढूंढने लगी कि स्वामी का जहां आगमन है कहां रहना चाहिए। तो इतनी निराभिमानी हो गई, इतनी अहम शून्यता उनमें आ गई, जिसके पास वैभव है, सौंदर्य है, सिद्धि है, ऐश्वर्य जिसके पास है वही तो लक्ष्मी है। तो अपने ऐश्वर्य को, अपनी सिद्धियों को, अपने वैभव को बिसार कर लक्ष्मी जी परासत्ता व श्री सत्ता धूल धूसरित हो गई। तत्यारभ्य नंदस्तु ब्रजः सर्व समृद्धिमान्, हरि निवासात्म गुणै रमा क्रीडन्म भूनृपः। हरे निवास, श्री निवास कहां होगा? श्री निकेतन, परमात्मा का आयतन कहां है, कहां निकेतन है, वो कहां बस रहे हैं, उनका वास्तव्य है, ऐसा जानकर कि यहां भगवान का वास्तव्य होने वाला है। भागवतकार कहता है कि वो क्रीड़ा करने लगे, खेलने लगे, नन्ही सी बालिका बनकर वो धूल धूसरित हो गई व्रज वनिताओं में। पल्लव पात औषधि में, अन्न दधि माखन में, गौ वत्स गोप में, वहां की पूरी प्रकृति और परिवेश में
कई बार लक्ष्मी एक ही जगह बैठती है, धन में, कई बार अन्न में, कई बार वस्त्र आभूषण में, कई बार एक ही जगह कहीं लक्ष्मी बैठती है, उद्यम में। उद्यम में बैठ गई, विचार में, चिंतन चरित्र संकल्प में नहीं है, हमारी गति मति गुण प्रकृति में नहीं है, तो दिखता है कि धन है, ऐश्वर्य है, पर विचार, चिंतन, चरित्र, स्वभाव, हमारे अन्न में, हमारी मन बुद्धि चित्त चेतना में, वंश में, परंपरा में, पीढ़ियों में उनका वास हो, ऐसा जानकर कि यहां पवित्रता है, यहां बड़ा संयम है, सदाचार है, नैतिकता है, ऐसा जानकर कि ये कभी भी अपने हित के लिए कुछ नहीं सोचेंगे। यशोदा यशोदा, जो दूसरों को हर बात का यश दे उसका नाम है यशोदा। यशोदा इसलिए उनका नाम था कि हर बात में दूसरों को यश दे रही है। जब प्रशंसा होने लगी यशोदा की कि देखो 85 वर्ष की आयु में यशोदा को क्या मिला, ऐसा आनंद, परमानंद, मुक्तानंद, ये नित्यानंद, खंडानंद, ये तो ईश्वर ही है, ये तो परमात्मा ही है, ऐसी जब प्रशंसा होने लगी तो वो सकुचाकर ना 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 कहने लगी कि ना, ये सब मेरे जप तप पूजा पाठ का परिणाम नहीं है, ये तो आपकी प्रार्थनाओं का फल है, ये तो आपके उपवास का फल है, आपकी प्रार्थनाएं, आपके जप तप नियम, आपका सदाचार। और एक बहुत बड़ा सच है कि जो कुछ हमारे पास है उस सब में केवल हमारी योग्यता, हमारा श्रम, भोग, भाग्य, प्रारब्ध ही नहीं है, अन्य के भी भाग, प्रभाग, अंश और हिस्से उसमें हैं। इसलिए अपने आसपास की लौकिक अलौकिक सब वस्तुओं में अपनी योग्यता और चातुर्य, भोग भाग्य, कर्म और प्रारब्ध कोई मूल मत मानो, उसमें अन्य का भी हिस्सा है। इससे अभिमान दूर होगा, वस्तुएं पवित्र होंगी, वो अन्य के लिए हमारे पास हैं, ऐसा उन्हें सहेज के रखेंगे कि धरोहर है, न केवल हमारी, ये और भी लोगों के लिए है, ये प्रसाद है, ये उपहार है। तो जो आपके आसपास में लौकिक अलौकिक कुछ भी है उसे उपहार मानो, प्रसाद मानो, उसे अन्य की धरोहर मानो, उसमें अन्य के भी हिस्से हैं ऐसा जानकर उसका न केवल रक्षण करो, संवर्धन भी, कि वो बढ़ें। यशोदा यशोदा, एक ऐसा साधन यशदा कि हम दूसरों को यश देंगे। आज जो हमारी सिद्धि, प्रसिद्धि, ऊंचाइयां, उन्नति, प्रगति, उत्कर्ष है, जो आज इतनी अधिक हमारे पास में संपन्नताएं, अनुकूलताएं, इस समय न जाने कितनों की प्रार्थना, पूजा और उनके प्रयत्न, परमार्थ का प्रभाव है। श्री यशोदा ने अंतःकरण से स्वीकार करते हुए कहा कि ये जो 85 वर्ष तक के मेरे जो प्रयत्न थे, जो मेरी दीर्घकालिक साधना थी, जो मेरा धैर्य संयम था, जो मेरी अविच्छिन्न, जो एक निरंतर की साधना थी लंबे समय तक की, उसका परिणाम केवल परमात्मा नहीं हो सकता। तो ये एक गुण लक्ष्मी जी को अच्छा लगा। एक दूसरा गुण आनंददानंद, दूसरों के आनंद के कारण बनो, दूसरों के सुख और सम्मान के, दूसरों की प्रसन्नता और जय के, दूसरों को आत्मनिर्भर, स्वाभिमानी, स्वावलंबी बनाओ, दूसरों को अधिक अधिकारी बनाओ। जितने अधिकार बांटते जाओगे उतने अधिक संपन्न और उतने अधिक आप बलवान और उतने अधिक आप व्यापक बनते जाएंगे। जितना अधिक व्यापक बनना हो, विस्तार करना हो, चाहूं और अपने को, सब और अपने को सर्वत्र बनाना हो अपने को, तो जो आपके अधिकार हैं वो उतने व्यापक होने चाहिए। बहुत ऊंचाई पर तो किसी
कोई निजता रह नहीं जाती। जितने जितने आप ऊंचे होते जाते हैं, आपकी कोई निजता नहीं रहती जाती, आपकी कोई व्यक्तिकता नहीं रहती जाती, आपकी कोई कोई अपनापन नहीं है, आपकी कोई प्राइवेसी नहीं रहती। और अगर आपकी कोई प्राइवेसी है, कोई अपनापन है, तो उतने बड़े आप नहीं है। क्योंकि जितने अधिक आप बड़े होते जाते हैं, आपके एकांत में लोग झांकने का प्रयास करते हैं। सामान्य व्यक्ति के एकांत में कोई नहीं झांकना चाहता। सामान्य व्यक्ति का एकांत कैसा है, उसकी निजता में क्या है, उसकी अंतरंगता में क्या है, उसके निजी पल कैसे हैं, कौन चाहता है? प्राय झोंपड़ियों में कौन झांक कर देखता है, महलों में हलचल क्या है? जो शीर्षस्थ हैं, शिखरस्थ पुरुष हैं, उनका चिंतन, चरित्र, आचरण, स्वभाव, उनकी नैतिकता जितनी ऊंची होगी, वे उतने ही अधिक आदरणीय बनेंगे, वो आदर्श बनेंगे। और हाँ, सामान्य व्यक्ति ये अधिकार चाहता है कि हम बड़ों के भीतर झांक कर देखें, उनके स्वास्थ्य के, सुख के समाचार चाहते हैं लोग। शीर्षस्थ व्यक्ति के समाचारों को पाना चाहता है व्यक्ति। तो जिसकी कोई अपनी चीज नहीं, जो दूसरों के आनंद का अधिकारी है। ये भागवत में दो शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं कि किसी के सम्मान और स्वाभिमान को ठेस मत पहुंचाओ। प्रत्येक व्यक्ति का अपना कोई स्वाभिमान है, प्रत्येक व्यक्ति कोई सम्मान चाहता है, उसका कोई गौरव है, उसकी भी अपनी कोई निजता है, उसका भी कोई अपना अस्तित्व है। जैसे हम चाकर कहें, अनुचर कहें, दास कहें, किंकर कहें, दरिद्र दीन अभ्यागत आगंतुक कहें, तो जो अत्यंत अभाव ग्रसित हैं, जो बहुत दीन दुर्बल हैं, जिनके भाग्य में दासत्व लिखा है, जिनका प्रारब्ध केवल किंकर प्रारब्ध है कि वो अपनी ओर से तो श्वास तक नहीं ले सकते, पर उनका भी तो कोई स्वाभिमान होता है ना, उनका भी तो कोई सम्मान है, उनका भी तो कोई गौरव है, उनकी अपनी कोई तो निजता है, तो उसके लिए भी आनंद बांटने के लिए जो तत्पर हो उसे कहेंगे नंद। तो दूसरों के आनंद का कारण कि जब आपको कोई स्मरण करे तो आनंदानुभूति हो, प्रसन्नता की अनुभूति हो, अपनेपन की अनुभूति हो, परायापन न लगे। तो वैचारिक साम्यता कितनी, जीवन में समानता कितनी। तो लक्ष्मी जी इसलिए भी प्रसन्न हो गए। लक्ष्मी ने कहा यहां के साधन ही बड़े अलौकिक हैं, ऐसे साधन ये सामान्य साधन नहीं। और लक्ष्मी जी एक बात से और भी अधिक हर्षित हुई कि जब ब्रह्मा को भनक नहीं है कि ठाकुर कहां गया, तो कितने ये निराभिमानी हैं, इनका साधन कितना गोपन है। क्योंकि साधना की पहली मांग है गोपनीयता, वो उजागर ना हो, उछल कूद ना हो, उछल उछल के बाहर ना आए, आपके आपकी चेष्टा से, चितवन से, प्रतिक्रियाओं से, अनुक्रियाओं से, भासाभास से, मुद्रा से, उपस्थिति से, कि आप बड़े दौनी हैं, विचारक हैं, चिंतक हैं, मनीषी हैं, पंडित हैं, ज्ञानी हैं, उदार हैं, दूसरों के लिए जाने कितना करना चाहते हैं, तो आपकी पारमार्थिकता, आपकी परोपकार की भावना, आपकी यज्ञ वृत्तियां, आपके आध्यात्मिक जितने भी अभ्यास हैं, वो जितने गोपनीय होंगे वो उतना ही आपको श्रेष्ठता प्रदान करेंगे। कोई दूसरा जान ले अलग बात है, किसी दूसरे को भनक लगे कि आप बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, बड़ी बात है, पर अपनी श्रेष्ठता और पूज्यता का प्रदर्शन न हो, उसकी सिद्धि की चाह न हो, ये बड़ा साधन है। और एक मां ऐसी, उसका ढिंढोरा पिटा हुआ है पूरे संसार में, ढिंढोरा तो पीट ही दिया, आकाशवाणी हुई। एक मां तो ऐसी है कि इसके लिए आकाशवाणी हो गई देवकी, ये स्वतपा है, अदिति है, ये इंद्र को जनती है, इसकी तो सौगंध ही एक है कि जब बच्चे होंगे देवता होंगे, उससे कम बालक पैदा नहीं करेगी, ये तो शपथ ली अदिति ने कश्यप के सामने, वो ये शपथ लेकर बैठी है कि जब जब मेरी कोख में संभावना बनेगी जीव के आगमन की,
तब तब मेरे पुत्र केवल देव होंगे, मैं सामान्य प्राणी नहीं जनूंगी, मैं मनुष्य पैदा नहीं करूंगी, मैं पितृ पैदा नहीं करूंगी, मैं ऋषि मुनि पैदा नहीं करूंगी, मैं केवल देवता जनूंगी। मेरी को किस बात के लिए कि मैं मनुष्य पैदा करूं, मरण धर्मा प्राणी, मैं ऋषि मुनियों को सप्त ऋषियों को पैदा नहीं करूंगी, मैं तो जब जब जनूंगी संतानें देवता पैदा करूंगी। आकस्मिक भी मुझसे कोई संतान पैदा हुई तो वामन पैदा होगा, उपेंद्र पैदा होगा, तो कितनी बड़ी बात है। एक सिद्धि देखो, एक बार ऋषियों के संशय को हरण करने के लिए उसने प्रश्न गर्भ को जन्म दिया, वो भी इस शर्त पर कि विष्णु के अंश उसमें होने चाहिए। भगवान अवतार लेने को तैयार हो तो मेरा गर्भ प्रस्तुत है, अन्यथा मैं किसी ऋषि को पैदा नहीं करूंगी। क्यों? इतना तप, इतनी साधना, तो कुछ लोग इतना इकट्ठा बटोर के रखते हैं, इतना तप जप साधन आध्यात्मिक शक्तियां वो इतनी प्रचंड रूप से वहां इकट्ठी हो गईं कि ये जब ढूंढा गया कि प्रश्न गर्भ कहां पैदा हो, सुतपा, सुतपा इसका अर्थ क्या है? ऐसा तप जो ईश्वर को आकर्षित करे, ऐसा तप जो ईश्वर को आकर्षित करे। लेकिन उसमें भी अभिमान तो है, ये एक बड़ा अभिमान है। तो साधना में ऐसी क्या शर्त होनी चाहिए कि केवल देवता ही पैदा होंगे? और उसने ये बात सिद्ध भी की इस गर्भ में कि जब भी पैदा होगा कृष्ण ही मेरी कोख से आएगा। तो एक तो देव ढिंडोरा पीट रहे हैं, डुगडुगी बज रही है, अंबर से वाणी चलकर आई, सबको पता लग गया कि देवकी का लाल है वो, देवकी ने जना है आठवां बालक। ये बात कह गई जो गोकुल में गई थी योग माया वसुदेव के साथ, कंस जैसे उसे छूने के लिए दौड़ा वो हाथ से फिसल गई और उसने भी उसे सत्य सिद्ध कर दिया कि देववाणी मिथ्या नहीं थी, वो तो पैदा हो गया, देवकी ने उसे जना है, पर वो अयोनिज है, वो कालों का काल महाकाल है, इसलिए उसे सामान्य पुरुष छू नहीं सकता। तो बात सिद्ध हो गई। तो जिसके गर्भ की वंदना करने स्वयं ब्रह्मा आए हों, देव इस बात के संज्ञान में हैं कि देवकी ने और वसुदेव ने कृष्ण को और आठवें गर्भ में पुत्र को पैदा किया है। तो देवताओं को इसकी भनक है, पर यशोदा की भनक किसी को नहीं है। ब्रह्मा आदि इंद्र आदि को पता नहीं लगा, तो यम वरुण कुबेर इंद्र और ब्रह्मा आदि जब ये जान नहीं सके कि कहां गया वो बालक या भगवान कहां गए, तो इसका अर्थ क्या है कि कितने निसाधन गोपनीय वो अनुष्ठान रहे होंगे, वो कितने गोपनीय व्रत रहे होंगे, जिन व्रतों को उजागर नहीं कर सके वो चुपके चुपके किस ढंग की तैयारी रही होगी कि कानों कान पता न लगे कि जब ईश्वर का आगमन हो वो हमारे बीच में आ जाए। और चूंकि उसे भी गोपनीयता चाहिए, ईश्वर को भी तो गोपनीयता चाहिए, अगर वो भी हाइड होकर रहना चाहता है तो हम तैयार हैं, अगर वो छुपके रहना चाहता है कुछ दिन, अगर किसी को पता न लगे कि कृष्ण कौन है तो हम तैयार तो हैं। जरा सी चीज आ जाए हमारा उछल कूद होने लगती है, लोग बताने को तैयार हो जाते हैं, ये रचना हमारी है, वस्तु हमारी है, पदार्थ हमारा है, ये हमारी कृति है, ये हमारा सृजन है, ये सब हमारी हमारी चीजें हैं। अरे हमारा 50 साल पहले जो महापुरुषों ने लिखा वो टीकाएं थी बड़े संकोच में, 60-70 साल पहले की सारी चीजें हमारे पास हैं, सुरक्षित हैं। वो 200-400 साल पुरानी बात नहीं बता रहा हूं मैं चीज। जब पहली बार मैं काशी के मठ में गया तो लगभग कोई 80 साल पुराना कोई ग्रंथ मेरे हाथ लगा, बड़े संकोच में आचार्यों ने टीकाएं लिखी हैं कि ये भागवत है, ये उपनिषद है, ये ब्रह्मसूत्र है, और उसमें बड़ी संकोच के साथ टीकाएं हैं, वो ओन नहीं किया है कि सब कुछ मेरा है। इस तरह से स्वामित्व
इस तरह से प्रभुत्व की भूख नहीं थी उनमें, ये मेरी पुस्तक है, ये मेरा ग्रंथ है। महाराज कहाँ चली गई सारी चीजें इन 30-40 सालों में, और इन 10-20-25 सालों में एक नई संस्कृति आ गई है, मेरी वाली किताब है, ये मेरी है, मेरे विचार हैं, मेरी रचना है, ये तो मेरे हैं। व्यासोच्छिष्ट जगत सर्वम, पूज्य कर्पात्री जी महाराज इस बात को बार बार कहते थे कि जो कुछ हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, लिख पढ़ रहे हैं, शास्त्र पर जो विचार है, ये सबका सब व्यासोच्छिष्ट है। व्यासोच्छिष्ट, उच्छिष्ट कहते हैं झूठन को, ये पहले कहा जा चुका है, ये सब पहले बोला जा चुका है, ये सब पहले लिखा जा चुका है। व्यासोच्छिष्ट तो कानों कान नहीं पता लगा, इसलिए रमा आनंदित होकर क्रीड़ा करने लगी, और कल्पना तो करके देखो कि उन्हें कौन सी चीज अच्छी लगी, धूल धूसरित हो गई, वो मान मर्दन कर लिया उन्होंने, कि मान न रहने पाए, अभिमान न रहने पाए, श्रेष्ठता प्रकट न होने पाए, मेरा जो वैभव है उसे मुझे विसार देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर यहां बहुत गोपनीय ढंग से आया है, तो मुझे भी ईश्वर वैभव को विसारना चाहिए, उसकी विस्मृति। तो जैसे ही रमा ने ब्रज को स्पर्श किया और हर चीज में वो रम गई, न केवल अन्न औषधि में, पात पल्लव में, गोप ग्वाल बाल गौ बछड़े दूध दधि में, वो यमुना में और वहां के पूरे परिवेश में, तो वो पवित्र हो गया, अभाव मुक्त हो गया। हम भगवान से ऐसी प्रार्थना करें कि प्रभु लक्ष्मी आए तो ऐसी आए अभाव मुक्त हो जाएं, कमी न रहे, वो कम आए ज्यादा आए ये नहीं, संतुष्टि हो, प्रसन्नता रहे, हम आनंद में रहें, हम निरोग रहें, हम स्वस्थ रहें, और वो पदार्थ दूसरों के हित के लिए भी हो, वो पदार्थ अन्य के लिए उपयोगी भी बने। क्या सचमुच मेरे आंगन के सारे फूल मेरे लिए होने चाहिए? टोकरे भर भर के सारे फूल मैं करूंगा क्या? क्या सारे फल फूल मेरे लिए होने चाहिए? उसमें किसी और का अधिकार ना हो, कोई और सूंघ न ले, किसी और के हाथ लग न जाए। तो इस ढंग से उनकी सारी चीजें हो गई। तत आरभ है नंद से ब्रज सर्व समृद्धिवान, सबके सब समृद्ध हो गए। तो जो समृद्धि है, चिंतन का विषय है, समृद्ध होना, स्वस्थ होना। कुछ लोग भीतर से बीमार से ही रहते हैं, तो स्वस्थ होना, तो स्वस्थ कब होगा व्यक्ति? जब सत्कर्म करेगा, शुभ संकल्प होगा, शुभ का विचार करेगा, आत्म तत्व का विचार करेगा। इसे ज्ञान की सप्त भूमिकाओं में पहली भूमिका है शुभेक्षा। जब तक ईश्वर का चिंतन आप में निरंतर नहीं रहेगा, तब तक आप पूर्णतः स्वस्थ तो नहीं हो सकते। किसी एक टायर पर बीमार रहोगे, या तो फिजिकली फिटनेस नहीं रहेगी, या मेंटली अनफिट रहोगे, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ रहेगी, कहीं कोई अभाव रहेगा। हो सकता है बहुत सुंदर से देखें तो मन में कोई अभाव होगा, और मन भी बड़ा उत्फुल्ल है तो बुद्धि में कोई भ्रम होगा, और बुद्धि भैया ठीक ठाक है तो अंतःकरण में एक और चीज बसती है जिसके नाम है अहंकार, उसकी अधिकता हो जाएगी, कई बार उसी की अधिकता हो जाएगी। स्वस्थ किसे कहेंगे? तदा दृष्टु स्वरूपे वस्थानम विशो का भा ज्योतिषमति प्रशांत वाहिता संस्करा। तो जैसे ही अंतःकरण के कोने कोने में ईश्वर का आगमन होगा, तब आप स्वस्थ होंगे, दिव्य हो जाएंगे। एक और बात, फिर आप ईश्वरी उपकरण बन जाओगे, भगवान का यंत्र बन जाओगे, उनका साधन बन जाओगे, फिर भगवदीय पात्र बन जाओगे। उनके लिए वो कब प्रयोग कर लें आपका? तो भगवान के आगमन पर स्वास्थ्य, सौंदर्य, संपन्नता है। इसलिए गुजरियां, अहीर छोहरियां, किरात कन्याएं, जाट बालाएं, यादव कुल की वो जो गोपांगनाएं थी, वो ये बात कह रही हैं, नंद के आनंद भय जैक कन्हैया लाल के, नंद के छोरा भय ये कोई नहीं कहता, नंद के आनंद हो गया है भाई।
वो समृद्ध हैं, स्वस्थ हैं। तो फिर क्या हो गया उनको, ये सुनने की बात है। फिर हो क्या गया उनको? वैष्णव आगमन से, विष्णु के आने से उनमें भी उदारता आ गई, इसलिए बांटने लगे, उपहार देने लगे, दूसरों को देने लगे। वो गौरस की मटकी लेकर, वो मटकी लेकर क्या, गौरस, वो गौघृत, वो गौदुग्ध, वो गौरस लेकर, माखन लेकर, मिश्री लड़ुआ लेकर वो निकल पड़े एक दूसरे का आदर करने के लिए, बांटने लगे। जिस प्रकृति में रोज रहते हो ना, उससे ये सीखो कि वो बट रही है, हवा के रूप में, प्रकाश आकाश के रूप में वो बट रही है, ऊर्जा के रूप में, ओज विभूति के रूप में, धरा की गंध उर्वरा के रूप में, अंबर की आर्द्रता के रूप में, अन्न के रूप में बट रही है। एक दिन पवन न चले, एक दिन तो बहुत है भैया, कुछ पल पवन न चले तो फिर प्राण और जीवन कल्पना तो करके देखो। तो जो बट रही है वृक्ष के रूप में, अन्न के रूप में, जितना बटोगे उतने महान हो जाओगे। और देव इसलिए हैं कि वो बटना जानते हैं, देना जानते हैं। तो जैसे भगवान का आगमन हुआ, वे बटने लगे, आदर करने लगे, वे निरोग हो गए, स्वस्थ हो गए, सुंदर हो गए, एक दूसरे के अवगुण नहीं देख रहे हैं, उन्हें आत्मीयता का भान हुआ, इसलिए वो एक उल्लास में खो गए और उत्सव रच गया वहां। उसे कहेंगे रसोत्सव, मंगलोत्सव, कल्याणोत्सव। और उसे कहा गया है भागवत में नंदोत्सव, यानी आनंदोत्सव। उत्सव किसे कहते हैं? गोपा परस्परम हृष्ट्वा दधिचीर घृताम्बुभिः असिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीतस्वचिच्छपुः। उत्सव किसे कहते हैं? जिसमें उच्चता का प्रसव हो, आनंद का प्रसव हो, जिसके कारण आनंद जन्म ले, उच्चता का जन्म ले, श्रेष्ठता का जन्म हो जाए, ऊंची चीज जब प्रकट हो तो उसी को उत्सव कहेंगे। और उत्सव का एक सारोकार है, उस समय एक सारोकार होता है, लेन देन, दूसरों को दो, उपहार दो, वस्तुएं दो, परिधान दो, और ऐसे नहीं सजा कर दो, सजाकर। तो सजकर, सजाकर और सजकर, हाथ में मेहंदी है, आलता है, और वो नवीन वस्त्र धारण कर हाथ में मटकी लेकर निगल पड़े वे गुजरिया, निगल पड़े गोरस लेकर कि चलो एक दूसरे का आदर तो करें। फिर वांगुली, अल्पना, तोरण द्वार, मंगल कलश भर लिए उन्होंने। और एक विचित्र अनुभव है सबको, प्रत्येक ब्रजवासी को लगा कि छोरा हमारे भयो है, ये नंद के घर का बालक नहीं है, कृष्ण हमारा है। तो प्रत्येक घर का एक अनुभव है कि सांवरा, मुकुंद माधव, बनवारी, गिरधारी, वो मेरे हैं, वो हमारे हैं। तो ये जो रामेश्वरम, ये तमिलनाडु का है क्या? ये तो सबका है। और बद्रीनाथ केवल उत्तराखंड के हैं क्या? जगन्नाथ केवल उड़ियाओं के हैं क्या? द्वारिका देश केवल गुज्जुओं के हैं क्या? गंगा केवल यूपीयनियों की है क्या? बिहारियों की है? गंगा तो सबकी है। भगवान ही तो एक ऐसे हैं जो हम सबके हैं। तो अपनेपन का अनुभव हुआ भगवान को देखकर। उत्सव तो उसे कहेंगे रसोत्सव, मंगलोत्सव, क्योंकि भगवान को रसराज कहा गया है, वही उत्सव है। एक और बात, हम चूंकि मठ मंदिरों में, आश्रमों में रहते हैं, प्राय कथा और यात्राओं में रहते हैं, तो ये हमने अनुभव किया है, जो भगवान के लिए उत्सव किया जाता है वो सबको सुखकारी लगता है, उसमें सबकी प्रसन्नता और आनंद का अनुभव हमने देखा। और जो केवल अपने लिए किया जाए उसमें भैया रगड़ा झगड़ा हो जाता है कई बार, न्यूनता, ईर्ष्या, राग, द्वेष, और वो अपने लिए छोटे छोटे मंगल प्रसंगों में लोग रूठ के बैठ जाएंगे, या सजते ही रहेंगे, या व्यंजन पकवान मिष्ठान में ही ध्यान है, या कि अधिक आदर की भूख लेकर जा रहे हैं। भैया कथा ही तो ऐसी है, जहां जगह मिली वहीं बैठ गए,
यही तो एक ऐसा आंगन है, भगवान का आंगन, कि प्रसाद हाथ पसार कर आप ले रहे हैं, कोई संकोच नहीं है, जबकि घर में भोजन की कमी है क्या? लेकिन कथा एक ऐसी चीज है, भगवान का उत्सव एक ऐसा है कि प्रसाद हाथ पसार कर लिया जा रहा है, धरा पर भी एक कण गिर गया है तो माथे से लगाकर शीश झुकाकर बड़ी कृतज्ञता विनम्रता के साथ अन्न का एक एक कण भगवान का हिस्सा है ऐसा कहकर आप ग्रहण करते हैं। तो भगवान के द्वार पर कौन है फिर? कोकिल, कागा, कपी, मयूर, चकोर, पपीहा, तितलियां, भ्रमर, झुंड के झुंड, ब्राह्मणों के, ऋषि मुनियों के, आचार्यों के। यशोदा ने कहा अपनी पुरोहितानी से कि देखो हमारे द्वार पर इतनी भीड़ कभी नहीं रही, इतने ब्राह्मण, इतने साधु, इतने अभ्यागत अतिथि आगंतुक, इतने इतने, और ये गोपियां हैं, ग्वाल बाल हैं कि अपने घर जाते ही नहीं, हमारे आंगन में ही रहते हैं, ये तो निकलते नहीं यहां से। उस भीड़ में सबका आदर है, सबके लिए न जाने कहां से इतने फल फूल, इतनी वस्तुएं, सुंदर उपहार। देव चुपके से रख गए वे फल फूल, वहां रंगोली अल्पना कर गए, उन झुंड में ब्राह्मणों के न जाने कितने ऋषि मुनि, और देवताओं की ओर से भगवान महादेव का आगमन हुआ और वो निकल पड़े मानसरोवर से, द्वार पर जा रहे हैं वो, उसके द्वार पर जो जगन्नाथ है। तो भगवान शिव का एक अद्भुत नाम है, उन्हें जगन्नियंता कहते हैं, भगवान शिव को कहते हैं जगतपति जगन्नियंता। तो जगन्नियंता जगन्नाथ के द्वार पर, भगवान शिव को विश्वनाथ कहते हैं तो विश्वनाथ विश्वंभर के द्वार पर, भगवान शिव को भूतनाथ कहते हैं तो भूतनाथ भूतेश के द्वार पर, विष्णु का नाम है भूतेश, तो भूतेश के द्वार पर भूतनाथ, विश्वंभर के द्वार पर विश्वनाथ, जगन्नाथ के द्वार पर जगतपति, योगेश्वर के द्वार पर योगेश्वर, हरि के द्वार पर हर, परमात्मा के द्वार पर परम पुरुष, आदि पुरुष के द्वार पर आदिनाथ, जो प्रथम पुरुष है विष्णु, उसके द्वार पर पूर्व पुरुष, सच्चिदानंद के द्वार पर सत्य पुरुष, साक्षी के द्वार पर सत्य साक्षी, हरि साक्षी, आत्म साक्षी, स्वयं साक्षी। आयो एक बाघम बर ओढ़े, आयो एक
धा दिन्ना धा तिन्ना धरे करता धरे करता धरे के धरे के धरे शिव शिव हर 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 नि घर कतक नर के तक 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 कतान कतान तक तांग तांग गंग धार जय 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 निरंकार समसेल वाल बम 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 भूम हुवाल कल मुंड माल इनाक तक जिग नाग पति पति पिनाग कर डमरू डिम डिम धिर नग नंग झंग झंग कर झलन त्रिकता कत्त धा धा त्रिकता कत्त धा धा त्रिकता कत्त धा आगमन और उनकी उपस्थिति से पूरा ब्रज आनंदित हो गया। भगवान के आगमन के साथ ही शिव का आगमन, कोई ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हमारे द्वार पर आए तो ऐसा कहते हैं पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। नारद पारिव्राजक उपनिषद में ऐसा आता है कि ब्रह्मज्ञानी का आगमन द्वार पर हो, अभी उसे अन्न वस्त्र औषधि आदर और उसे आसन दिया भी नहीं होता हमने, अभी उसकी स्तुति और अभिवादन हमने किया भी नहीं होता,
उससे पहले ही पितृ प्रसन्न हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। इतनी महिमा है ब्रह्मज्ञानी कि पितृ मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी के द्वार पर केवल आगमन भर से, अभी उसे आसन, आहार, प्रणाम, प्रार्थना, स्तुति, अभिवादन, अभी हमने कुछ किया भी नहीं होता, इससे पूर्व में न केवल पितृ तृप्त हो जाते हैं, देव हर्षित होने लगते हैं। और जो घर की अविद्या आदि है, जो घर का दारिद्र है, जो एक अज्ञात रूप से मल और एक अज्ञात रूप से जो एक वैसा हेय वातावरण घर में रहता है, जिसे अब आप नेगेटिविटी कहने लगे हो कि वो आज के दिन दक्षिण में जलाई जाती है, आज के दिन दारिद्र को, हेय पदार्थों को, अवांछित पदार्थों को, जो अर्थहीन पदार्थ हैं, वे वस्तुएं जो अनुपयोगी हैं, वो आज के दिन घर से निकाल कर और उन्हें आप भस्म कर रहे हैं, विभूति बना रहे हैं, धुएं में उड़ा रहे हैं उसे। ऐसा कहते हैं महापुरुष के आगमन से घर का औरा, उजास, ओज, एक अलग से प्रकाश, घर में एक अलग से गंध, एक घर में अलग प्रकार का वातावरण, बहुत लंबे समय तक के लिए सकारात्मक तरंगों का वास वहां हो जाता है, तो पूरा ब्रज बदल गया, जैसे शिव आए, समाधि से लग गई सबको, शिव के आगमन पर समाधि, क्योंकि वो इस प्रतिज्ञा के साथ आए कि अगर पूतना विष लेकर आई तो उसका समन मैं करूंगा। ये देवताओं के लिए शपथ है भगवान की कि जब जब देवताओं के पास विष आएगा तो जितनी विषैली चीजें हैं उनको छीनने के लिए मेरे हाथ अनायास बढ़ जाएंगे। और ये शिव के पास की चीजें ऐसी हैं भी, प्राय उन्हें वे ही वनस्पतियां प्रिय हैं अथवा वे ही वनस्पतियां उनको अर्पित की जाती हैं जिनमें विषाक्तता है, जो उन्मादिनी है, प्राय विषैली है, सब माथे पे रख लेते हैं। वो एक ही देवता ऐसा है जो हाथों में नहीं लेता, चरणों में नहीं रखवाता, कहता सब कुछ मस्तक पे रख दो। जटाटवी गल जल प्रवाह पा वितस्थल, कि मेरी जटाओं में, मेरे मस्तक पर वो चंद्र है, गंगा है, जो कुछ भी है, वो जलधार है, दुग्ध धार है, अन्य वनस्पतियां हैं, वे सब मेरे मस्तक पे रख दो। और जब ये पता लगा कि गंगा विष्णु के चरणों से निकली है तो उसको भी उन्होंने मस्तक पर धारण कर लिया। वो एक ही देवता ऐसा है जिसका माथा पूजा जाता है, चरण नहीं, चरण तो नारायण के पूजे जाते हैं, चरण कमल बंदौ हरे राय, शिव का तो मस्तक पूजा जाता है। इसके मस्तक पे सब कुछ रख दो। एक प्रकार से योगेश्वर और योगेश्वर, या विश्वनाथ और विश्वंभर, या आद्य पुरुष और आदिनाथ, या परम पुरुष और परमात्मा, या प्रधान पुरुष और परम देव कहें, वे कुछ पल के लिए ही ऐसा कहकर उस नन्हे से बालक के कान में, विष्णु के कान में कहकर चले गए कि जो पूत नहीं है उसका आगमन है, पूत नहीं थी पूतना, पूतना कौन है जो पवित्र नहीं है। जीवन में सबसे पहले जो हमें आहत करती है, जिसके कारण सब आवरण सा आ जाता है, हम ढक जाते हैं, उस क्लेश का नाम है अविद्या। पांच क्लेश बताए गए, उसमें पहला है अविद्या। अविद्या हमें ढक लेती है, सत्य और असत्य में भेद नहीं कर पाते, नित्य अनित्य में, आत्म परमात्मा में, सुचि असुचि में, मृत्यु और जीवन में, अपने और पराये में, हानि और लाभ में, यश और अपयश में, हर्ष में और शोक में, क्या हितकर है हमारे लिए हम जान नहीं पाते। और मनुष्य की जानकारियां बड़ी अधूरी हैं, उसके हित में क्या है, उसके भवितव्य में क्या लिखा है, उसके भविष्य में क्या अच्छा है, उसके लिए वो नहीं जानता। इसलिए हम अपने भवितव्य के प्रति
अजान हैं, हम नहीं जानते कि हमारा भविष्य कैसा होगा। पर हाँ, इष्ट हमारे भविष्य में अभीष्ट की सिद्धि लेकर आता है। तो जब कंस को यह पता लगा कि वो कन्या आकाश में उछलते हुए ये कह गई, कह रहे उसे तो मारने वाला आ गया, तो पूतना से कहा कि ढूंढ कहां है वो बालक, क्योंकि तेरे पास वो दृष्टि है, नवजात शिशु कब कौन कहां कैसे हैं उन्हें पहचान कर और उसकी हत्या करके आ। तो पूतना चल पड़ी नंद भवन की ओर। पूतना माने अविद्या, जो ढकने आती है, जो ढक देती है। शास्त्र कहता है हम माया से ढके हैं, अज्ञान आवरण से ढके हैं। जो सत्य का कुंभ अथवा अमृत कुंभ हमारे भीतर है, उसका वो ढका हुआ है अज्ञान से। और एक ही अज्ञान है हमारे आसपास, देह अभिमान, जो देह अध्यास है। हम देह को ही सच मानते हैं। हम जब कभी अपने को अनुभव करते हैं तो देह के साथ जोड़कर कि मैं ये हूं। तो पवित्र नहीं थी पूतना, चल पड़ी ब्रज में। तो भागवत में भगवान की तीन मां बताई गई, एक सत्साधना देवकी, जिसको साधन का अभिमान, निस्साधना जिसे साधन का अभिमान नहीं, यशोदा, और तीसरी जो दूध पिलाने के बहाने से आती है अपने स्तन कुछ में विष लपेट कर, पूतना। पूतना ही थी पूतना। तो कौन सी चीज पवित्र नहीं होती, हमारी कौन सी पहली चीज ऐसी है जो पवित्र नहीं होती? ऐसा कहते हैं दृष्टि हमारी पवित्र नहीं होती। वो विज्ञान क्या है वो अभी तक मेरे समझ में नहीं आया, पर भारत के लोग अभी भी ऐसा कहते हैं कि भैया नजर लग गई हमको, तो या नजर लगी है। जो नेत्र हैं हमारे, वो हमारी तरंगों को, हमारे द्रव्य को बाहर उछालते हैं। बार बार किसी के नेत्रों में देखकर कई प्रकार के भाव जग सकते हैं, प्रेम, औदार्य, सहानुभूति, आत्मिकता, प्रीति, अपनापन, सर्वस्व का त्याग, या हेय, घृणा, ग्लानी और काम। किसी की आंखों में बार बार झांक कर देखने से काम भी तो जग सकता है, किसी की आंखों में बार बार झांक कर देखने से सांत्वना, प्रीति, अपनापन, दया, ग्लानी। तो ऐसा कहते हैं कि अजान पुरुष की आंखों में बार बार नहीं झांकना चाहिए। और हां, प्राय अपराधी की तो आंख झुकी सी रहती है, भूल करके बड़ों की आंखों में कैसे देख सकते हो? अरे दूसरों की तो बात छोड़ दो, आदमी अपने से आंख नहीं मिला पाता। दूसरों को तो क्या देखोगे, उनको तो क्या फेस करोगे? अगर कोई अपराध हो गया है, कोई भूल हो गई है, कोई पाप हो गया है, भीतर में मलिन भाव है, कोई निकृष्ट भाव है आपके, तो बड़ों को नहीं देख पाता आदमी अपराध करने के बाद, पाप कर्म करने के बाद। अपनों की तो बात छोड़ो, या बड़ों की, खुद को नहीं देख पाता। जो खुद की ग्लानी है, स्वयं की ग्लानी, अंतर का अपराध, अपनी निम्नता, हेयता, जो अपनी आपराधिक प्रवृत्तियां हैं, या जो हमारा अनियंत्रित काम है, या ऐसा क्रोध है, उसके बाद तो खुद नहीं आदमी संभल पाता। क्रोध में किसकी कितनी हानि होती है ये तो आप जानते होंगे, क्या हानि कर रहे हैं किसी की। हाँ, आप खो गए होते हैं, आप अपने अस्तित्व से, अपनी सत्ता से, स्वयं से दूर चले गए होते हैं। बहुत गुस्से के बाद आदमी तो अपने पास तक नहीं लौट पाता, बहुत देर तक खो गया होता है, वो बीनता बटोरता रहता है, भीतर से बिखर गया होता है, अपने एक एक करके हिस्सों को इकट्ठा करता है, बहुत देर के बाद तो खुद को बटोर पाता है क्रोध के बाद। हिंसा, क्योंकि क्रोध हेय वस्तु है, और काम अभिमान, लोभ, मत्सर, ये हेय वस्तु है, विजाती है। आप कभी कल्पना तो करके देखो कि क्रोध में आप 2, 4, 5, 10 घंटे नहीं रह सकते। प्रेम में रह सकते हैं, आनंद में, उदारता में, प्रसन्नता में, सहानुभूति में। आप क्रोध में कुछ घंटे कैसे रह सकते हैं?
जो क्रोध निंदनीय है, विजाती है, मारक है, हिंसक है, अज्ञानता में पैदा हुआ है, अब साथ में आप कहां रह पाते हैं, कितने चुप हो जाते हैं, कुछ लोग एकदम क्वाइट हो जाते हैं, एक पलायन उनमें पैदा हो जाता है, अवसाद का चरम हो तुम्हारा, आत्मघाती प्रवृत्तियां पैदा हो जाती हैं, कुछ लोग अट्टालिकाओं से छलांग लगा देते हैं, विष खाने के लिए तत्पर हो जाते हैं, अग्नि में कूद पड़ते हैं, तेज चलते वाहन से टकराने की बात सोचते हैं कि मर जाएं, क्यों, कोई रस नहीं रहा, सुख नहीं रहा, गौरव नहीं रहा, अपनेपन का कोई आनंद नहीं रहा, स्वयं में कोई विश्वास नहीं रहा, मरना क्यों चाहते। तो कोई भीतर ऐसा भाव पैदा हो जाता है अज्ञानता में, वो अवसाद इतना प्रचंड हो जाता है कि व्यक्ति आत्मघाती हो जाता है, अपनी हिंसा करता है, खुद को कष्ट पहुंचाता है, कुछ लोग खुद को टॉर्चर कर रहे हैं, अपने को, बोलेंगे नहीं, एकांत में रहेंगे, कुछ देखेंगे नहीं, कपाट बंद, कोई रस नहीं रहा, कोई सुख नहीं रहा, कोई अपना नहीं रहा, इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि कोई एक अवसाद हमारे भीतर अज्ञानता में ऐसा पैदा होता है कि हम भी नहीं देखना चाहते, अपने को भी नहीं मिलना चाहते, रूठ कर इस हद तक आदमी पहुंचता है, आहार भी नहीं लेंगे, अब तो जल भी नहीं पिएंगे, बस बैठे हैं, वो कितना दुखी करती है चीज, जिन्हें आप प्रताड़ित करना चाह रहे हो, जिनसे आप रूठ कर उन्हें दुख देना चाह रहे हो, उनको तो कुछ नहीं कर रहे, अपने को ज्यादा दुखी कर रहे हो, उसमें रह नहीं पाते आप, तो क्या होता है, फिर आंखें बदल जाती हैं, नेत्र चपल हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं, नेत्रों का जो कि आभा खो जाती है। इसलिए जब पूतना वहां आई तो बड़ी सुंदर सी दिखने लगी, बड़ी सी दिख रही है, गोपांगनाएं भागी उसका आदर करने के लिए, रोहिणी और यशोदा ने उन्हें ऊंचा सा आसन दिया, लेकिन उसकी दृष्टि स्थिर नहीं है, उसके नेत्र चपल थे, नेत्र तो केवल साधना में ही ठीक हो सकते हैं भैया, आंखें तो भगवान की सुंदर हैं, जगन्नाथ धाम में जाओ खुली हुई हैं, कभी बंद नहीं करते भगवान आंखें, हर पल उनके नेत्र खुले हुए हैं, न केवल उनके, बलभद्र के, सुभद्रा के, किसी ने पूछा कि जगन्नाथ के नेत्र निरंतर क्यों खुले हैं, तो पूछा कि भगवान से ही पूछे, तो भगवान ने कहा मेरे नेत्र इसलिए खुले हैं कि प्रत्येक जीव मेरा है, कोई पराया नहीं, सब मेरे हैं, अगर मैं जगन्नाथ हूं, मैं जग का स्वामी हूं, तो प्रत्येक जीव मेरा है, परायापन कैसा, आंख तो उनसे मींची जाती है, उनसे मूंद ले आंखें जो पराये हो, अपने अपनों के लिए तो आंखें खोलकर उनका स्वागत किया जाता है। लेकिन भैया श्रीनाथ जी में जाओगे तो आधी बंद आधी खुली है, श्रीनाथ जी में जाओ आधी खुली है, उनसे पूछा जगन्नाथ में जब आप होते हैं तो पूरी खुली है, और यहां क्यों खुली है, तो उन्होंने कहा कभी कभी जीव के जब दोष बहुत प्रचंड हो जाते हैं, तब मेरा स्वभाव ऐसा है मैं दोष तो देखता नहीं, बस गुण और सदगुण देखता हूं, इसलिए आधी खुली आधी बंद है, सिन्हा जी की आंखें आधी खुली आधी बंद है। सिन्हा जी कहते हैं कि जो दोष है वो मुझे मान्य नहीं, जो व्यक्ति के भीतर का कपट है, छल है, मैं नहीं देखना चाहता उसे, मैं तो केवल उसके सदगुण ही देखना चाहता हूं। लेकिन कहीं आप भैया चले जाओ बद्रीनाथ तो पूरी बंद है वहां आंखें, जगन्नाथ में तो पूरी खुली है, श्रीनाथ जी में आधी खुली है आधी बंद है, पर आप जाएंगे बद्रीनाथ में, बद्री विशाल के दर्शन करने जाओ तो पूरी बंद है। तो पूछा भक्तों ने कि आंखें क्यों बंद हैं, तो भगवान ने कहा कि आंखें बंद इसलिए हैं कि जो भी जैसा भी है
मैं तो आंखें बंद करके मुक्ति देना चाहता हूं, वो जो भी है मेरे द्वार पर आ गया, जैसा भी है, क्या विचार करना है, कैसा है, आंख खोल के देखें क्या, जो यहां तक पहुंच गया है वो मेरा है। तो पूतना ने जैसे भगवान की ओर देखा तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। तो श्रीधर टीका में विश्वनाथ गोपस्वामी, रूप स्वामी, सनातन गोस्वामी, बड़े बड़े महापुरुषों ने वो सब लिखा है कि भगवान ने सहसा आंखें क्यों बंद कर ली। तो भगवान ने सहसा इसलिए आंखें बंद कर ली कि पूतना में एक तो अपवित्रता, ईर्ष्या, राग द्वेष, हिंसा और एक और बात उसमें काम। तो कहने की इतना सुंदर बालक है, इसकी हत्या तो करूंगी बाद में, इसके कपोल छू लू, कपोल छूकर इसे अंक में भर लू, स्पर्श का सुख ले लू, कितना सुंदर बालक है। तो इसकी हत्या तो मैंने करनी है बालक की, इसके प्राण तो मैं छीनूंगी, बालक बड़ा सुंदर है तो पहले मैं इसके कपोल स्पर्श कर लू और अंक में भर लू, इसके मस्तक पर अपने ओठ जड़ दू। तो भगवान ने झटपट आंखें बंद कर ली। तो पूछा महापुरुषों ने, ये क्या किया आपने आंखें बंद कर ली? तो भगवान ने कहा, मां में ऐसा चरित्र नहीं हो सकता, स्त्री में प्राय चरित्र नहीं हो सकता, तो जब कभी कुछ ऐसा चरित्र कोई घटे तब मैं देखना नहीं चाहता कि जीव ऐसा भी है। तो रूप गोस्वामी आदि ने कहा कि भगवान ऐसा नहीं सोच सकते। तो पूछा भगवान से कि मूल बात बताइए क्या है? तो भगवान ने कहा, मैंने आंखें इसलिए बंद कर ली हैं कि जैसी भी है मेरे द्वार पर आ गई है, ये तो लेकर आई है विष और मैं इसे मुक्ति दूंगा, ये विचार कर रहा हूं, मुझे ये विचार आ रहा है कि मैं मुक्त करूंगा इसे। क्या क्या इसमें है वो आंख बंद करके गणना कर लूं। तो बड़ा हिसाब करना हो कई बार साहूकार को, तो भैया वो आंखें बंद करके विचार करता है कितना ब्याज बट्टा लें, कब कितना लिया, कितना दिया, पूरा हिसाब करता है, कितने कितने जन्मों का भगवान हिसाब कर रहे हैं। भगवान पता है क्या कहते हैं कि कितने जन्मों का विष है इसमें, कितने जन्मों का काम, कितने जन्मों की हिंसा, देखो तो सही, ये मेरी हत्या के लिए आ गई है। तो वो गणना कर रहे हैं और फिर थक हार कर भगवान ने गणना बंद कर दी। जब भगवान ने कहा कि जब इसे मैंने मुक्त ही करना है, अपना धाम देना है, तो इसके पाप भी क्या गिनना है, अब इसके पाप क्या गिने जाए। गाढ़म कराभ्याम कसके भगवान ने उसके स्तनों को पकड़ा। रोष समन्वितौ पिबत और झुझलाते हुए आवेश में आकर, जो उनका स्वभाव नहीं है, आप कल्पना कर सकते हैं नवजात शिशु को गुस्सा कैसे आ सकता है, झुझलाहट आती भी है तो तुरंत हंसी आ जाती है, कुछ देर शोक में फिर प्रसन्नता में। एक नए बालक के मुखमंडल के कौतुक देखे होंगे आपने, पता नहीं कभी वो हंसता है, कभी शोक में, कभी झूठ मूठ में रो पड़ेगा, उसके ओठों से अलग 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 प्रकार की आपने देखे होंगे भाव पैदा होते हैं। तो रोष का मतलब है रुद्र, और रुद्र तो भगवान के चेहरे पे नहीं आ सकता। तो भगवान स्वयं चले आए महादेव और उन्होंने कहा कि एक भी कण रक्त का भगवान के ओठ और उनकी जिह्वा को छू न ले, एक भी कण, हमारी प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी, देवताओं के जीवन विष क्यों आना चाहिए। तो भगवान के मुखमंडल पर जैसे अचानक रौद्र आ गए, रुद्र आ गए, तो देखो जब आदमी गुस्सा करता है ना तो लाल पीला हो जाता है, सुंदर नहीं दिखता, क्रोध में सुंदर नहीं दिखता। तो जब बहुत आप कभी क्रोध कर रहे हो तो चुपके से अपनों से कहो कि उस समय की फोटोग्राफी होनी चाहिए, उस समय के चित्र खींचे जाएं और वो फिर आपको दिखाए जाएं, लज्जा आएगी, छुपा के रख लोगे उन्हें कि नहीं नहीं ये हमारा चेहरा नहीं हो सकता। अपनों को इसी काम में लगाओ कि वो अलग 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 कैमरे हों हमारे, उस समय के जब बहुत प्रचंड आवेश में हम
तो प्रचंड आवेश में, क्रोध में व्यक्ति सुंदर नहीं देखता, क्रोधी व्यक्ति कभी सुंदर नहीं देखता, पर भगवान तो बड़े सुंदर दिख रहे हैं, बड़े गोरे से दिख रहे हैं। सांवरा बालक कितना गोरा दिख रहा है, इसका अर्थ यह है कि जो बहुत गोरे से गोरा है वो प्रकट हो गया भगवान में। और सबसे गोरा देवता जानते हो कौन है? कर्पूर गौरम करुणावतार। सबसे गोरे भगवान शिव हैं, उनसे सुंदर कोई देवता नहीं है। वो इतना आदर करते हैं भगवान नारायण का कि भस्म विभूत आलेपन कर, मुंडमाला धारण कर अपने रूप को छुपाते हैं कि लोग मुझे सुंदर न देख लें, मेरा सच लोगों तक न चला जाए, नहीं तो मुझे ही सुंदर कहने लगेंगे, मुझे ही रूपवान कहने लगेंगे। तो भगवान भस्म से, विभूति से अपना आलेपन कर सौंदर्य का गोपन करते हैं। तो जो कृष्ण के रोम रोम में सौंदर्य छलका, एक तो वैसे ही बड़े सुंदर हैं और भगवान नारायण के पास इतनी सुंदरता क्रोध में कैसे आ सकती है, आवेश में कैसे आ सकती है? इसको विद्वानों ने कहा कि स्वयं भगवान शिव का जैसे आगमन हुआ हो। और झुंझलाहट में क्या करता है आदमी, यह देखने की बात है। अपने झुंझलाहट में व्यक्ति अपने स्वभाव को भूल जाता है। आवेश में एक ही बात तो होती है कि आप अपने से अलग हो जाते हैं, पर यह कैसा आवेश है कि भगवान स्वभाव में डूबे जा रहे हैं। और भगवान का स्वभाव क्या है? ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नाही। तो अपने स्वभाव में डूबकर भगवान ने कहा ये विष लेकर आई, मैं इसे अमृत दूंगा। तो जैसे पूतना को छुआ भगवान ने, उंदर गंधा हो गई, सुगंधा हो गई, निर्विषया हो गई, वीतराग हो गई, पवित्र पूतात्मा हो गई। तो पूतना थी पूतात्मा, पवित्र आत्मा, दिव्यात्मा, और निर्गंधा सुगंधा हो गई, निर्विषया हो गई। त्रिपुरा रहस्य में सबसे ऊंची सिद्धि एक बताई है, त्रिपुरा रहस्य में, कि परासत्ता का स्नेह किसे मिलता है? उसी साधक को जो निर्विषयी हो जाए, जो निर्विषयी हो गया है, जिसमें सारे जन्मांतर की विषय वासनाएं सदा के लिए तरोहित हो गई हैं, जहां विषय सदा के लिए खो गए हैं, वही त्यागी है, वही सिद्ध है। कहिए तात सो परम विरागी, तरण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी, तिनके के समान जो सिद्धियों को समझकर त्याग देता है। तो जैसे ही पूतना को भगवान ने छुआ तो वो चिल्लाने लगी, सा मुंच मुंच मिंचा लिमिति प्रभाषणी, अरे बालक छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। लेकिन बाद में बड़ी हर्षित हुई, क्योंकि भगवान न केवल उसके प्राण ले रहे थे, वासना जन्मांतर की कामना कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। तो पूतना निर्गंधा सुगंधा हो गई, चारों ओर गंध बिखर गई, आनंद उल्लास बिखर गया, पूतना की मृत देह में से सुगंध निकलने लगी। हम सब मनुष्य जितने हैं उन सब में कोई एक गंध है, देह की हर व्यक्ति की एक गंध है। और जब मृत्यु छू कर जाती है या मृत्यु लेकर जाती है प्राण को, तब इस मिट्टी की, इस मृत देह की भी एक गंध बिखर जाती है। जो हवन आदि करके लगभग 13वीं संपन्न करने के बाद, षोडशी आदि करने के बाद वो द्रव्य मुक्त होता है वातावरण। मृत की देह में से भी एक अलग द्रव्य, एक अलग स्राव होता है, बड़ी मैली, दुर्गंध, अपवित्र, वो इतनी सूक्ष्म होती है, इतनी सूक्ष्म कि वो एक विशेष प्रकार के रक्त, वीर्य, रज, प्राण, जीव अंश के साथ घुल मिल जाती है। ध्यान से सुनो,
और दूर तक बैठा हुआ व्यक्ति भी उसके प्रभाव में माना जाता है, उसे पातक और सूतक कहते हैं। दूर बैठा हुआ सात समंदर पार भी बैठा हुआ व्यक्ति उस प्रभाव को स्वीकार करता है, उसके अंतःकरण को वो गंध छूती है सूतक काल में, पातक काल में। लेकिन बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि हमने अपनी पुत्री विदा कर दी, उसको हमारे यहां का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। डिटैच, रूट्स कट हो गई, उसके कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, कुल परंपरा, देवी और उसके इष्ट और उनकी मान्यताएं हमसे पृथक हो गई। हमसे क्या मतलब, हमारी बेटी का सप्तपदी के बाद, वाग्यदान के बाद, कन्यादान के बाद, चतुर्थी कर्म करने के बाद, देव पूजा के बाद उसके देवता जाने। सीमाना, सीमांत, जहां तक ग्राम देवता है उसके बाद ट्रांसफर कर देता है ग्राम देवता, ग्राम देवता तक, इष्ट देवता तक, कुल देवता तक, स्थान देवता तक। जब तक हमारी कन्या हमारे घर में है और जब तक वो विदा नहीं हुई अपने पति के साथ, तब तक हमारे इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, वो सारे के सारे उस तरह से उसके हक में है। लेकिन जैसे ही इष्ट देवता, ग्राम देवता, कुल देवता, क्षेत्रपाल देवता के टेरिटरी से वो बाहर हुई, तो वहां से वो हैंडओवर कर देते हैं, उनको हैंडओवर कर देते हैं कि अब बस यहां तक है हमारा। तो वहां वो कितने दूर के कुल देवता हैं, इष्ट देवता, ग्राम देवता, वो कहां है, वहां से वो हमारी पुत्री का हाथ थाम लेते हैं, अब हमारी हो गई है कन्या। आज के युग में इसे परिभाषित करना बहुत कठिन है, पर एक आचार्य का और भागवत कह रहे एक व्यास का तनिक सा विश्वास कीजिए, ये सूक्ष्म जगत की बातें आज भी उतनी ही सच हैं जितनी ये सच कभी किसी युग में थे, आज भी उतनी ही सच है। वो अदृश्य है, दिख नहीं रही। भाई हम तरंगों से तो बने हैं, विज्ञान क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हम हैं क्या, हमें एटम है और क्या है, एटम से बने हुए कुछ मॉलिक्यूल है हमें और क्या, हमें तरंगे हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं, उनसे शरीर बन गया है। लेकिन जो जीवाश्म है हमारी, जो जैव सत्ता है हमारी, वो सत्ता हमारी उसमें एक गंध है, एक अलग कुल की, गोत्र की, वंश की, परंपरा की। कितनी भौतिकता प्रचंड हो जाए, कितने अत्याधुनिक उपकरण बन जाएं, कितनी अधिक संचार की और सूचना की तकनीक हमारे आसपास बिखर जाए, कितने ही हम वायरलेस युग में चले जाएं, तो सच मानिए एक मंत्रों का अलग विज्ञान है। तो जो मृत देह पड़ी होती है, मरने के बाद उसका संस्कार किया जाता है, अशुद्धि हो गई वहां, लेकिन यहां तो कुछ और हो गया, परमात्मा ने संस्कार कर दिया पूतना का। तो पूतना की तो देह में से भी गंध आने लगी और वो तत्काल मुक्त हो गई, ब्रह्मरंध्र में से प्राण गए। प्राण कहां से कैसे गए, आंखों से, नासिका से, मुखमंडल से, श्वेद से, मलमूत्र से, या आपकी खोपड़ी तोड़ के निकले हैं, ब्रह्मरंध्र से। तो जो ब्रह्मरंध्र से यहां से प्राण निकलते हैं, उन वो कहां जाएंगे, उन प्राणों की गति कैसे होगी। और नेत्र से गए, नासिका से गए, मुख से गए, मलमूत्र से गए, पसीने से गए, कैसे गए प्राण। पूतना निर्गंध हो गई, सुगंध हो गई, पवित्र हो गई। अविद्या का नाश हो गया। भगवान की बड़ी अद्भुत लीला नामकरण की लीला है। भगवान के नामकरण के लिए गुजरियां, अहीर कन्याएं, यादव वंश की उच्च कुलीन बालाएं नित्य आकर नए नाम रखती भगवान के। एक ने कह दिया कि तेरा लाला कितना सुंदर है, अद्भुत है, अलौकिक है, मनहर है, अनुपम है, उद्दात्त है, अद्वितीय है, कल्पनातीत है, इतना सुंदर है ये।
तो यशोदा कैसी भोली है और नंद बाबा कितने सरल हैं और पूरे ब्रजवासी कितने अद्भुत हैं, परस्पर कितना एक दूसरे का आदर करते हैं। तो सबने एक सम्मति से कह दिया, कहा नाम रख दे, एक अजान अपरिचित दूर की वो एक यादव कुल कन्या जो कभी नहीं देखी थी, वो आकर लाला को चूमती है, पुचकारती है और कहती है लाला कितना सुंदर है और मैं इसका नाम रखूंगी। तो सब प्रसन्न है, आनंदित है कि देखो हिस्से सबके बराबर कैसे हैं। एक अपरिचित अजान जो पहली बार आई, एक यादव कुल कन्या, और उसने कहा मैं नाम रखूंगी, मैं इसका सांवरे का मैं नाम रखूंगी। सब प्रसन्न हो गए, हाँ नाम रख दो। तो उसने लाला की आंखों में झांक कर और उसके हथेली पर ढेर सारे चुम्बन जड़ते हुए और कहा ये इसका एक ही नाम हो सकता है। सबने कहा क्या नाम है, बोली ये चित्त चोर है, इसका तो यही नाम हो सकता है। थोड़े असहज हो गए लोग, असहज हो गए, और जब सब असहज हो गए तो माने धीरे से प्रतिवाद किया, माने कहा अच्छा नहीं लगा है सबको। तो वो कहती है क्यों, इसमें मोरा क्या है, तो माने कहा इसमें चोर शब्द जुड़ा है, अच्छा नहीं, तो चित्त चोर ठीक नहीं। दूसरी कहती है मनहर, मदन गोपाल। एक ने कहा माधव कोई मुकुंद कोई बनवारी गिरधारी, मारा हल्ला मच गया, उस भीड़ में से हर एक नाम कोई रख रहा है, कोई कहता है तो मुकुंद है, बनवारी है, गिरधर है, जगन्नाथ है, अरे ये तो वनवाली है। जो बहुत निकट थे नंद और यशोदा के, वो अपनी बात कहे जा रहे हैं। एक ने कहा ये तो यशोदा नंदन है, दूसरी कहती है नंद नंदन है, तीसरी कहती है ब्रजनंदन है, चौथी कहती है सर्वेश हैं, और एक कूद कर आई सबसे सबके बीच में और कह लिए सारी बातें छोड़ो, ये कौन है, बोले पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, सीधा नाम रखो ना, ये तो भगवान है। यशोदा को एक अच्छी युक्ति सूझी और बहाना मिल गया। यशोदा ने कहा देखो सबने नाम रख लिए और सब उलझ जाएंगे परस्पर, एक दूसरे का नाम नहीं रखा तो जो गुरु नाम रखें वो रखा जाएगा। अपने गुरु से हम कहेंगे तो गुरु जी जो नाम रख देंगे। और भैया कुछ चीजें गुरुओं के अधिकार पर छोड़ दीजिए, बड़े व्यापार आपने कैसे करना है आप जानो, सारोकार परिवार पर कुछ अधिकार तो गुरुओं का है कि वे नामकरण करें, मुहूर्त आदि बताएं, आपकी जीवन सिद्धि के लिए, आपकी प्रगति उन्नति के लिए, आपके जीवन में सफलता आए, तो वो कुछ थोड़े से आपको प्रयोग विचार संस्कार विद्या योग युक्तियां अथवा वो आपको कुछ प्रेरणाएं दें, अन्यथा फिर उनकी क्या उपयोगिता है, फिर उनकी भूमिका क्या है जीवन में। इसलिए कुछ बातें गुरुजनों पर छोड़ो, अपनी ओर से कोई नाम नहीं, कोई जूरी मत बैठाओ, पैनल मत बैठाएगा, छोड़ दीजिए उन पर कि वो रखें क्या नाम रखेंगे। तो गर्गाचार्य और शांडिल ऋषि ने बहुत गोपनीय ढंग से गौओं के झुंड में, गौ माता के झुंड में ले जाकर कहा कि देखो यहां पूजन अर्चन देव स्थापना भगवत स्मरण करेंगे और यहां नाम रखेंगे भगवान का। इनके नाम अने अनुपा, इनके नाम अनुपा, महेंद्र पकह सुमति अनुरूपा, मैं द्रव का
धनि सा नि सा ग म ध नि सा नि सा इसके के नामकरण की संपन्नता गौशाला के मध्य में हुई, गौओं के झुंड में। चूंकि गौलोक से वह सत्ता चलकर आई है, वह गौलोक धाम के स्वामी है। जिस लोक की स्वामिनी स्वयं गौ है, वहां से आई सत्ता गौ की निकटता में। स्वस्ति वाचन, मंगलाचरण, देव पूजा, ये सब व्यर्थ सा लगा गर्गाचार्य शांडिल्य को।
आचार्य गर्ग और आचार्य शांडिल्य जो भक्ति ज्ञान के आचार्य हैं, उन्हें लगा स्वयं देव सामने हैं, ईश्वर सामने हैं, तो किसका यजन भजन अर्चन स्तवन पूजन करें। फिर भी आदर देने के लिए गणपति आराधना सर्वतोभद्र षोडश मातृका क्षेत्रपाल लोकपाल मंगल कलश का वो पूजन करने लगे, पर चूंकि गौ ही पर्याप्त है ऐसा कहकर उन्होंने गौरांग का पहले नाम रखा, जो एक वर्ष पूर्व रोहिणी के गर्भ से प्रकट हुए थे। देवकी का सातवां पुत्र रोहिणी के गर्भ में उनके अंश स्थापित हो गए थे। वसुदेव की पांच पत्नियां थीं, जिनमें पहली पत्नी चंद्रवंश की सर्वोत्तम रानी रोहिणी, और रोहिणी नक्षत्र में भगवान का आगमन हुआ। रोहिणी बहुत गोपनीय ढंग से कंस के कोप से और उसके कोप भाजन से बचने के लिए नंद भवन में रह रही थी। एक वर्ष पूर्व, एक साल पहले गौरांग का जन्म हुआ। अयम ही रोहिणी पुत्रो, जो सब जगह रमन करे सबके मन में और जो सबका साक्षी हो, ऐसा ये एक वर्ष पहले संकर्षण अथवा बलाधिकेन राम बलराम, ये राम है ऐसा नाम उनका नाम रखा गया। ये कोई पूर्व काल में लक्ष्मण की ऐसी कामना थी, विनोद में भी कोई बात उन्होंने कही तो राम ने उसे पूरा किया। बस ये बड़ों की आदत देखी गई, जो बड़ों का स्वभाव है कुछ ऐसा ही होता है, उनसे जो मांग लो उसे पूरा करते हैं। माता पिता से कुछ मांगो तो माता पिता संकोच नहीं करते, संतान के हित में सब कुछ दे देते हैं। देवताओं से मांगो तो वो तो इसी बात के लिए, देवताओं का अर्थ क्या है कि जो मांगोगे मिलेगा, और ईश्वर जे इच्छा करहु मन माई हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाई। आप में कामना नहीं है, संकल्प नहीं है, आप में विचार नहीं है, आप जैसा विचार करोगे जैसा संकल्प करोगे जैसी कामना होगी उसकी पूर्ति होगी, जैसा आप चाहेंगे। हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही, भगवान क्या कोई दुर्लभता नहीं। ये बात है कि आप में कामना नहीं है उन्हें पाने की, उन्हें देखने की, उनकी कृपा का अनुभव आपके पास ही नहीं है। तो लक्ष्मण ने पूर्व काल में बड़े विनोद में ये बात कही कि अगली बार मैं आऊंगा सेवा करने, कंटक चुनने, व्यवस्था देखने, मैं बड़ा बनूंगा। इसलिए नहीं कि मुझे बड़प्पन चाहिए, इसलिए नहीं कि मैं श्रेष्ठ रहूं, इसलिए कि और एक वर्ष पहले आकर मैं सेवा करूं, मैं अधिक सेवा कर सकूं। छोटा होकर उतनी सेवाएं नहीं हो पाती, बड़े होने के बाद कुछ तो अधिकार मिलेंगे। तो बताया गुरु ने कि इनका नाम राम सूझ रहा है, मुझे मन में आता है कि इनका नाम राम रख दें, लेकिन चूंकि बल की अधिकता इतनी है इनमें तो लोग इन्हें बलभद्र कहेंगे। और एक बात देखी भैया हमने, बल पाकर आदमी भद्र नहीं रहता, अभद्र हो जाता है। बल आए तो भद्र कैसे रह सकता है, पर जहां भद्रा भी सुभद्रा हो गई हो, जिनके घर में भद्रा आकर सुभद्रा हो गई हो, ऐसे बलभद्र बलराम बलदेव, और इस प्रकार से गौरांग का नाम बलराम रखा गया। और जब भगवान की बात आई तो उनके चरण छूने लगे दोनों आचार्य, उनके हाथ की रेखाओं को चूमने लगे दोनों आचार्य, उनके नेत्रों में झांककर देखने लगे कि वही नेत्र हैं जो ब्रह्मा को संकेत में आदेश देते हैं सृष्टि रचना के, ये वही तो हाथ हैं जो कभी चक्र कभी गदा पद्म और कभी कोदंड धारण करते हैं। उनके नाभि कमल को धीरे से छूने लगे कि ब्रह्मा का यहाँ से उदय होता है, चरणों को स्पर्श करने लगे कि गंगा का आविर्भाव यहीं से तो है, गंगा यहीं से तो निकलती है। उनके रोम रोम में से ऋषि मुनियों की कल्पना करते हुए
दोनों ऋषि आनंदित हुए, साधु धन्य हो गए। शास्त्र कहता है कि साधुता कब धन्य अनुभव करती है, जब सच्चिदानंद मिले, जब साकार दर्शन हो। पांडित्य की पूर्णता कब है, जब परमात्मा मिले। अब बड़े बड़े पंडित हो, बड़े ज्ञानी हो, बड़े विद्वान हो, बड़े शास्त्र आपने पढ़े हो, आपको सब कुछ आता हो और परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, तो ये पांडित्य की पूर्णता नहीं कही जाएगी। तो पांडित्य की पूर्णता कब, जब परमात्मा के दर्शन हो। संन्यास की सार्थकता कब, जब सच्चिदानंद मिले। ब्राह्मणत्व तो कब आपका पूरा माना जाए, जब केवल वैराग्य नहीं ब्रह्मानुभूति हो। आपकी साधना कब सिद्ध हो गई, जब सत्य के दर्शन हो जाएं। सामने सत्य है, सनातन सत्य है सामने ही। और भक्ति कब सिद्ध हुई, जब भगवान मिले। तो भगवान के दर्शन पाकर, ईश्वर की निकटता जानकर कि यही रचनाकार है, यही विराट विष्णु हैं, यही वामन नरसिंह बनते हैं, यही प्रथु धन्वंतरी बनते हैं, यही आदिनाथ ऋषभ बनते हैं, यही करुणा के अवतार बुद्ध बनते हैं, यही हैं, ऐसा मानकर वो शीश झुकाने लगे, ऐसा मानकर बहुत आनंदित होने लगे। यशोदा ने टोका कि ऐसा लाला है हमारा, हर कोई चकित होता है, भ्रमित होता है और मोहित हो जाता है, इसके रूप में सब आसक्त हो जाते हैं। अगर ग्वाल बाल गुजरियां अहीर बालाएं हों तो बड़ी बात नहीं, पर ये तो स्वयं साधु ही चकित हो गए। इन महात्माओं को देखो, इनकी समाधि लगी जा रही है। हमारे लाला में कोई आकर्षण तो है, हमारे इस बालक में कोई बड़ा सम्मोहन तो है। तो माँ ने टोक कर कहा है, गुरुवर इसका नाम रखिए, हमारे पुत्र का नाम क्या है, आपको नामकरण के लिए बुलाया था, आप तो ध्यान में जा रहे हैं, आपको तो समाधि से लग गई, आप तो खो गए हमारे लाला का रूप देखकर, इसका कोई नाम तो बताइए। और उनके मुंह से सच निकल गया, उन्होंने कहा ईश्वर का न कोई नाम है न कोई रूप है। जो ईश्वर है उसका नाम रूप कुछ होता नहीं, नाम रूप तो संसार का है। और ध्यान रहे, संसार नाम रूप से टिका हुआ है। वेदांत यहीं से आरंभ होता है कि राम नाम रूप मिथ्या है। हमारी कितनी नाम रखे गए हम सबके, कोई बचपन में बालक कहता रहा, फिर युवक कहता रहा, फिर कोई जरा सा शरीर में रोग है तो रोगी कहा किसी ने, किसी के द्वार पर गए तो अतिथि और मेहमान बताया किसी ने, किसी के लिए हम पति हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के पिता हैं। ये ध्यान रखना, पुत्र होने पर किसी के आप पिता बनते हैं, पर पहले किसी के पुत्र हैं। खाली गुरु ही नहीं रहते आप, पहले शिष्य भी हैं। अगर आप शिष्य बने तभी गुरु बन सकते हो भैया, अगर आप पहले पुत्र बने तो ही पिता बन सकते हो। वही पिता बन सकता है जो किसी का बेटा हो। आप पहले हैं ना, आपसे पहले कोई है। बहु निसंति नामानि, एक नहीं अनेक नाम अनेक गुण रूप हैं, और ये अजन्मा अयौनिज है, ये तो ब्रह्म है, नित्य है, अखंड है। ऐसा कहकर भगवान की प्रशंसा करने लगे, और कहीं अधिक भेद न खुल जाए। जब देखा कि दोनों ऋषि अत्यंत प्रशंसा में बड़ा यशगान कर रहे हैं, तब भगवान रोदन करने लगे। उनके रोदन में भी प्रमोदन था, मोटे मोटे अश्रु निकलने लगे, उनके कपोल से ढरकने लगे। तो रोदन में भी प्रमोदन, ध्यान भंग हो गया उनका, और कहने लगे कि ये जैसा भी है अद्भुत है। एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये जो भी हैं ये कृष्ण हैं और स्वयं भगवान हैं। ऐसा कहकर वहां से चलने लगे। माता और पिता ने पूछा, नंद और यशोदा ने, कि नाम क्या रखा आपने इनका। बोले इनका नाम है श्री कृष्ण, श्री कृष्ण, जिसमें आकर्षण है, आनंद है, माधुर्य है।
जो सदा से अपने हैं, उनका नाम कृष्ण है। इस तरह से भगवान का नामकरण संपन्न हुआ। बड़ी अलग 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 लीलाएं हैं। मृद भक्षण की लीला, जिसमें उन्होंने माटी को छूकर धरती का सम्मान किया, क्योंकि धरती भूदेवी है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। पूज्य स्वामी खंडानंद जी महाराज मुझे याद आते हैं, वो अद्भुत बात उन्होंने कही, अद्भुत बात उन्होंने कहा कि जब वो परम धाम में, चिन्मय धाम में, गोलोक धाम में, क्षीर सागर में, वैकुंठ में है, अपनी मूल अलौकिक सत्ता में है, तब उनकी एक पत्नी, और जब वो सत्ता को त्याग कर धरती पर आते हैं तो दूसरी पत्नी लीला संपादन के लिए, लीला के संपादन के लिए। तो या भूमिजा है, या ब्रह्माणी है, या वो रुद्राणी है, लेकिन नारायण की दो भारिया बताई गई, नारायण की दो पत्नियां बताई गई, एक है श्रीदेवी, दूसरी है भूदेवी। तो जो धरती है ये भी नारायण की भारिया है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, धरती को पिता नहीं कहते, धरती माता है। धरती भाई नहीं है, धरती बंधु नहीं है, चाचा ताऊ नहीं है, धरती नाना नानी नहीं है, धरती पिता भी नहीं है, धरती माता है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, हम इसकी संतान हैं। और अगर जब माँ हम कहते हैं तो माँ कौन जो दूध पिलाए। तो इसकी कल्पना करते हुए शास्त्रकार कहता है, पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व मे। तो माँ किसे कहेंगे, भैया कोई माँ कैसे ही कपड़े पहने, हमें तो सारी माताएं माता लगती हैं, वो कम कितने कैसे क्या पहने ये कोई मैटर नहीं करता है, पर हाँ माँ रैप होके रहे तो कई बार अच्छी लगती है। तो कैसे रैप होके रह रही है, कैसे ढका हुआ है माँ ने अपने को, शास्त्रकार कहता है समुद्र वसने देवी। माँ ने किससे ढका है अपने को, धरती अगर माँ है तो कैसे ढकी हुई है, समुद्र वसने देवी। और माँ है तो इसके स्तन और दूध क्या है, पर्वत स्तन मंडले। और अगर ये माँ है तो हमारा कोई पिता भी होगा, अगर ये माँ है तो इसका पति कौन है, ये हमारी मां लगती है, हम इसकी संतान हैं, तो इसका पति कौन है, विष्णु पत्नी। तो शास्त्र कहता है समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्व मे। धरती पर जब आओ, पैर धरती पे रखो, तो थोड़ा माथे से रजकण लगा लीजिए, ये अभ्यास में है हमारे निरंतर के अभ्यास में, कि धरती पर पैर रखने से पहले इसका आदर करो धरती का, ये कहकर माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। तो धरणी जो है भूदेवी है, तो मृद भक्षण के समय जो माटी ली भगवान ने, वो धरती का आदर है, वो धरती का बहुत आदर है। और उलूखल बंधन में मणिग्रीव नलकूबर के उद्धार की जो लीला है वो भी बड़ी अद्भुत है। मणिग्रीव नलकूबर के उद्धार में नारद का श्राप है। जब नारद ने देखा कुबेर पुत्र मदिरा पीकर मदरोन्मत्त हो गए, तब उन्हें जड़ होने का श्राप दिया, और वरदान ये भी कि आप कृष्ण के आंगन के वृक्ष बनेंगे और वो उलूखल बंधन लीला में आपको मुक्त करेंगे। जब माँ बांधने लगी कृष्ण को कि वो बंदरों को माखन दे रहे हैं, कपोत कागा को, उछल कूद करने वाले कितने ही, और जो पंछी आ गए, तब माँ उन्हें बांधने लगी कि मंथन ठीक हो जाए। तदपि द्वय अंगुलम नूनम यद यद्यात्त बंधनम। तो मुक्ति का मर्म वो ही समझ सकता है जो बंधन में हो। धन का कई बार अर्थ वो समझ पाता है जो विपन्नता देखे। जिसने विपन्नता नहीं देखी वो धन का अर्थ कैसे समझ सकता है। स्वास्थ्य का अर्थ वही समझ सकता है। स्वास्थ्य का सम्मान तब समझ सकते हो जब बीमार रहो। जब आप बीमार हो गए होते हैं, रोगी हो गए होते हैं, तब पता लगता है कि भैया हेल्थ भी कोई चीज है। स्वास्थ्य किसे कहेंगे। विपन्नता में धन का आदर किया जाता है। दूर देश में चले जाने के बाद जब महीनों सालों अपने नहीं मिलते,
तब वो कितने याद आते हैं, फिर वो अपनी सब चीजें अच्छी लगने लगती हैं, अपना गांव गली मोहल्ला प्रदेश अपने अपना देश कितना अच्छा लगता है दूर पहुंच जाने के बाद। तो जब कोई अभाव होता है जीवन में तब वो चीज महनी लगने लगती है। मणिग्रीव नलकुबर का इस ढंग से उद्धार भगवान की बड़ी अद्भुत लीला है, बड़ी मंगलमय लीला। और वो श्री विहार की एक श्रृंगार का पद है, बड़ा अद्भुत सा भगवान का। और आइए भगवान के एक पद में चलते हैं। मोहना चला यो ने न पी, मोहना चला यो ने न पी, मोहना चला यो ने न पी, हिये में सानी गयो हिये में चलायो ने नती, मोहना चलायो ने नती, ने फिर
कच्छ और तृणाव्रत के वध की कथा बड़े संकेतात्मक है। एक तृणाव्रत भी एक असुर जो तिनका जैसा बन कराया, बवंडर सा बन कराया, जिसे शास्त्र में दृश्य की विकृति कहा गया है, दृष्टि दोष कहा गया है, साधना का व्यतिक्रम कहा गया है, विपर्य दोष कहा गया है। जैसे कई बार साधना के दोष हमें याद नहीं रहते, एक साधन की गति, साधन में तीव्रता हो, साधन में उत्साह भंग न हो, साधन में रुचि का अभाव न हो जाए, साधन में गतिरोध न हो, साधन परंपरा न बन जाए, निर्वाह न बन जाए, बस नियम निभाने है हमारा, दिया बाती करने, तो साधना केवल नियमों का निर्वहन नहीं है, परंपरा की पूर्ति नहीं है, आंकड़ों को छूना नहीं है, संख्या को गिनना नहीं है, पाठ की पूर्ति का नाम साधना नहीं। तो कई बार साधना संख्या तक सिमट कर रह जाती है कि इतनी तो संख्या करनी थी, इस आंकड़े को ही तो स्पर्श करना था, इतनी तो स्तुतियां बोलनी थी, पूरी हो गई, वो तो इतने दिए जलाने थे, इतनी प्रदक्षिणा करनी थी, इतनी माला फेरनी थी, पूरा हो तो गया। तो साधना में एक दोष है जिसका नाम विपर्य दोष, विसंगति, व्यतिक्रम, उत्साहहीनता, अरुचि। एक और है साधना का दोष, सबसे बड़ा दोष, और उसका नाम है प्रमाद। कि पूरा कर रहे हैं, ध्यान नहीं है, माला चल रही है, जप चल रहा है, पाठ चल रहे हैं, और कई बार तो साधना की अथवा नियम की पूर्ति होने के बाद फिर लंबी सी सांस लें आप, कि हो गया पूरा, हो गया, निपट गया पाठ अपना, अरे पाठ तो निपट गया अपना, अब आराम से अल्पाहार करेंगे, पाठ हो गया पूरा, अब तो सूर्य को भी अर्घ दे दिया, तुलसी को जल दे दिया, गौ ग्रास निकाल दिया, गुरु मंत्र जप लिया है, स्तुतियां पूरी हो गई, ओ रिलैक्स हो गया पूरा, अब तो इसे क्या कहेंगे। ये साधना का प्रमाद है कि साधना में अरुचि है, साधना में साधना के प्रति आदर खो बैठे आप, तुझे तृणाव्रत है वो यही है। तम विस्मिता भार पीड़िता भूमौ निदाय, जो काम है हमें और चीजें आकर्षित कर रही है, हमारी प्रायोरिटी कुछ और है। साधना में कई बार आपको और प्राथमिकताएं सामने खड़ी हो जाए, साधना के समय कुछ और प्राथमिकताएं, वरीयता क्रम में, वैसे तो सारा जीवन ही साधना हो, जो आप कर रहे हैं सभी तो साधना है, वो उद्यम है, व्यापार है, परिवार है, सारोकार है, व्यवहार है, विचार है, आपका हर कुछ साधना होना चाहिए, पर उतना प्रचंड एक आप में एक अपने प्रति सचेत, अपने लिए जागरूक संवेदन होना चाहिए। और ये उत्कच जो तृणाव्रत उत्कच है, जड़ाभिमान, सकटासुर, ये क्या है, इसे कहेंगे जड़ाभिमान। और ध्यान रहे, अभिमान तो जड़ में ही रहता है, शुद्ध चैतन्य में कोई अभिमान नहीं। ये थोड़ी वेदांत की बातें हैं ना, ध्यान से सुनो, कृष्ण की कथा में थोड़ा वेदांत बता रहे हैं आपको हम। अभिमान तो देह में है, रूप में है, विद्या में है, उपकरणों में है, पदार्थों में है, अभिमान आप में कहां है, आप तो शुद्ध चैतन्य है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आप तो अविनाशी हैं, चेतन हैं, आप में तो कहीं कोई अभिमान नहीं है। लेकिन जैसे ही आप में अभिमान आता है, इसका अर्थ है जड़ता से जुड़ गए, वस्तु से जुड़ गए, देह से जुड़ गए, पदार्थ से जुड़ गए, रूप से जुड़ गए। तो जिस दिन भी आपके भीतर में से अहम गया, शुद्ध ब्रह्म हैं फिर आप, फिर आप शुद्ध हैं, पवित्र हैं, यही तो शपथ थी मदालसा की,
बड़ी सुंदर मदालजा, उसकी बड़ी चर्चा पूरी धरती पर। सारे संसार भर के राजाओं ने, सारे संसार भर के लोगों ने कहा मदालजा जैसी कोई सुंदर नहीं। और पहले इस ढंग से युद्ध में जीत भी लिया करते थे, कोई बड़ा स्वयंवर होता था, स्वयं चुनती थी उस समय कन्याएं, अपने आप वरण करेंगे स्वयंवर। कई बार पिता कह देते कि इस लक्ष्य का भेदन करो, मछली की आंख में जिसका तीर लगेगा द्रौपदी उसकी होगी। कई बार प्रतिज्ञाएं होती थी और उन प्रतिज्ञाओं की जब पूर्ति हो जाती तो उसे कहते थे वरमाला, उसे कहते थे जयमाला। आजकल दोनों के हाथ में वरमाला भी है, वधुमाला भी है, पर पहले एक के हाथ में होती थी। जिसने जय कर लिया, जो जीत गया है उसे कहते थे अब ये जयमाल उसके गले में पड़ेगी, जो जीत कर आया है, जिसने जीत लिया है वो जयमाल का अधिकारी है। वरमाला माने अब मैं उसे वर्ण करूंगी, वर मेरा वो है जिसने मेरी प्रतिज्ञा की पूर्ति कर दी, वो वरमाला। तो ऐसे ही मदालसा के रूप की प्रशंसा, और मदालसा के पति ने जब घूंघट खोलकर आदर किया अपनी पत्नी का कि संसार की सर्वाधिक रूपसी आप हैं और अब मेरी आप पत्नी बन गई, मैं उपहार में आपको क्या दूं, तो मदालसा ने कहा बस उपहार में एक वचन दीजिए राजा, मुझे एक वचन चाहती हूं आपसे। तो राजा ने कहा एक क्या, मैं तो अनेक वचन देने को तैयार। और राजा से उसने कहा मुझे तो एक ही बात मांगनी है आपसे कि मेरी कोख से अज्ञानी अपड़ अजान रोने धोने वाली संतानें पैदा नहीं होंगे, वो पसंद नहीं है मुझे, मूढ़ अज्ञानी जड़, मैं ज्ञानी पुत्र पैदा करूंगी। तो ये एक मेरे मुझे वचन दो कि हमारी संतान अज्ञानी नहीं होगी। तो राजा ने कहा इसका अर्थ क्या है, बोले इसका अर्थ ये मुझे सच का ज्ञान है, मैं सच जानती हूं, तो मुझे आप ये वचन दो कि मैं बालक को सच बताऊंगी, जैसे बालक पैदा होगा मैं उसे सच बताऊंगी जीवन का सत्य क्या है, और आप रोकेंगे नहीं, मैं उसे वास्तविकता बताऊंगी जीवन की। राजा ने कहा तो बहुत अच्छी बात है, अपनी संतानों को जीवन का सच मिलेगा। पहला बच्चा हुआ, बालक रोने लगा, हर बालक रोता है, तो रोते हुए बालक को फटकार लगाई मदालसा ने, कहा शुद्धों से बुद्धों से निरंजनों से संसार माया, माया ने छूकर तुझे रुला दिया, काल ने तेरा स्पर्श किया है। क्योंकि यही सच है, जब बालक पैदा होता है तो काल स्पर्श करता है कि हर चीज मिट जाएगी, तो बालक रो पड़ता है, बेचैन हो जाता है, काल आकर उसे स्पर्श करता है, पर कुछ देर के बाद बालक भी अभ्यासी हो जाता है, रोना धोना छोड़ देता है, वो हमारे जैसा ही हो जाता है। शुद्धों से बुद्धों से निरंजनों से आत्मा का ज्ञान कराया, देह नश्वर है। पहला बालक ज्ञानी हो गया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां बालक, राजा ने हाथ जोड़ लिया। राजा ने कहा रानी एक विनती है, क्या कि इसे ज्ञान मत देना, एक संसार के लिए चाहिए, राजकाज के लिए चाहिए, एक व्यवहार के लिए चाहिए। और रानी ने फिर उसे ये नहीं कहा शुद्धों से बुद्धों से निरंजनों से। जब सातवां बालक पैदा हुआ तो रानी ने कहा राजा बाबू बनेगा, बड़ा अच्छा बनेगा, घुड़सवारी करेगा, युद्ध के मैदान में सबको जीतेगा, इस धरती के सारे भोग पदार्थ इसके होंगे। और वो बालक जब युद्ध के मैदान में एक बार घिर गया था, तब मां ढूंढते हुए आई थी उस बालक को, वो राजा बन गया था बूढ़ी मां, और उसने कहा तेरे अन्य भाई कितने आनंद में है, आ मैं तो जीवन का सच बताती हूं। तो जो जड़ता है हमारी देह की जड़ता, इससे ही अनेक पाप हो रहे हैं, इसी से अनेक प्रकार का अभिमान है, देह में और आत्मा में भेद रहे, इसका नाम वेदांत है कि देह जो है नश्वर है और आप ही सत्य हैं,
आप सच हैं कि आप हवा से उड़ नहीं जाएंगे, शस्त्र से काटे नहीं जा सकते, जल डुबो नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकते, इस सत्य को बताया माने। तो जड़ाभिमान क्या है कि शरीर की भाषा बदल जाएगी, अभिमान आता कहां है, शरीर में। हमारा बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है लोगों की, अचानक कुछ चीजें आ जाए तो भाषा बदल जाती है। तो उत्कच का उस सकटासुर का ऐसे वध, गोकुल में भगवान का प्रवेश, राधिका जी के यहां श्री विहार में, उसे श्री क्षेत्र कहते हैं। ऐसी जानकारी के लिए बता रहा था कि जो पुरुषों के नाम के आगे प्राय श्रीमान लगा होता है ना, श्रीमान जी, श्रीयुत, या जैसे मान लो अपने यजमान का नाम है तो वो एकदम सीधे राजकुमार जी कहने में अच्छा नहीं लगता, श्री लगाना पड़ता है, शिष्टाचार है, आदर है, सीधा नाम किसी का लिया ही नहीं जाता, ये असभ्यता है। तो श्री शब्द कहां से आया है, ये तो स्त्रीवाचक है, पुरुषवाचक तो है नहीं, श्री तो स्त्रीवाचक है। तो आपको सुनकर अत्यंत प्रसन्नता होगी, लक्ष्मी जी ने कहा कि पुरुष के साथ मेरा नाम जोड़ो तभी पूर्णता होगी, मैं श्री पुरुष को देना चाहती हूं, अपने श्री, अपना वैभव, अपना अस्तित्व मैं पुरुष को देना चाहती हूं। तो पहले तो सीधा सीधा नाम होता था, रामलाल श्यामलाल घनश्यामलाल, लेकिन जब से लक्ष्मी जी ने श्री दी आदमी को तो पता है क्या हो गया, आदमी श्रीमान जी, तब से श्री लग गई। तो लक्ष्मी ने श्री दी है। एक और बात कहेंगे, वो थोड़ी चौंका सकती है, पूरी भागवत की कथा में राधा का एक बार नाम नहीं, पूरी कथा राधा नाम का कोई उल्लेख नहीं, राधा एक शब्द नहीं आता। फिर क्या है राधा, राधा सुखदेव की गुरु है, और जब वो अपने गुरु की स्मृति में जाते तो समाधि लग जाते। सुखदेव को ऐसा लगा कि अगर मैंने एक बार भी राधा कहा तो जब वो राधा की बात सोचते तब समाधि लग जाती है सुखदेव को, और राजा परीक्षित उनके माथे पर जल छिड़क कर अपने गुरु को जगाते, कहते गुरुदेव उठो, कुछ बोलो, कुछ सुनाइए, कथा रुक गई। राधा का अन्य पुराणों में उल्लेख है। तो ये कथा आती है बड़ी सुंदर से, कि जब भगवान को घेर लिया देवताओं ने, ऋषि मुनियों ने, सप्त ऋषियों ने, देवगुरु बृहस्पति, नारद सनकादिक ने, यम वरुण कुबेर इंद्र आदि ने, और जब स्वयं ब्रह्मा और महादेव ने भी उन्हें घेर लिया ये पूछने के लिए कि मूलतः आपकी सत्ता क्या है, मर्म क्या है, आपका स्वभाव, आप मूलतः कौन हैं, आप में मूल सत्ता क्या है आपकी, वामन बनते हो देव उद्धार के लिए, राम बनते हैं निशाचरों के नाश के लिए, माधव बन जाते हो गीता गाने के लिए, परशुराम बन जाते हो धरती दान करने के लिए, धनवंतरी बनते हो अमीय दान करने के लिए, कुरु मीन आदि आपके जितने अवतार हैं वे तो अवतार हैं, आप कौन हैं, मूल आपका क्या है, हम आपका मर्म जानना चाहते हैं, आप कौन हैं। तो जब घेर लिया देवताओं ने, और फिर भगवान को लगा ठीक है आज मैं आपको अपनी सत्ता और अपना स्वरूप दिखाता हूं कि मेरे मूल में मैं कौन हूं। तो भगवान के मूल में उनका संकोच, उनकी अपनी जो निजता में उनका परम वैभव, उनमें परमानंद, अघनाशन, दूसरों के पाप बिसारने की, अकारण प्रेम करने की, वो जो समदर्शी हैं, पतित पावन है, जिन्हें किसी के पाप नहीं दिखते, कोई पतित नहीं दिखता, कोई छोटा नहीं दिखता। तो भगवान ने कहा चलो आज मैं आपको अपनी सत्ता दिखाता हूं। तो भगवान के भीतर से दिव्य प्रकाश बाहर आने लगा, उनका औदार्य, शील, संकोच, माधुर्य, उनकी पवित्रता, उनके दिव्य गुण, उनकी निजता जब बाहर झांककर निकलने लगी,
एक अद्भुत प्रकाश, और जब पूरा पूरा प्रकाश बन गया तो भगवान नारायण परांबा से हैं, जगदम्बा से हैं, वो आद्य सत्ता से हैं, वो मूल त्रिपुर सुंदरी से हैं, और वो उनके इन 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 हिस्से से निकले। करांगुल ने नखोत्पन्ना, ये जो चार नख हैं ये यहां से नारायण की उत्पत्ति हुई है। परांबा जो परा सत्ता है वहां से नारायण का आविर्भाव है। तो भगवान ने इस तरह से कहा, अच्छा मैं बताना चाहता हूं मैं कौन हूं, मेरा मूल। तो भगवान ने अपना प्रकाश, सौंदर्य, माधुर्य, पवित्रता, दिव्यता, अपना विराट वैभव, अपनी अनंत जो उनकी शक्तियां हैं, उनको उजागर करने के लिए आदेश दिया, निकलो मुझ में से, जो मेरा पन है। तो एक अद्भुत प्रकाश जब भगवान में से निकला तो एक अद्भुत काया सामने खड़ी हो गई, और देवताओं ने कहा, अरे दिख तो कुछ रहा नहीं, ये तो प्रकाश है, निपट प्रकाश। तो फिर भगवान ने प्रार्थना की कि भाई जो मुझ में मेरा शील है, संकोच है, माधुर्य है, पवित्रता है, अनंत शक्तियां हैं मेरी, वो सब उजागर हो। तो जैसे ही वो उजागर होने लगी तो एक सुंदर सी काया, षोडशी काया भगवान के सामने, एक अद्भुत गौरांगना, गौर वर्ण के विद्युत वर्णा, एक बड़ा एक अद्भुत बिजली किसी चमक, इतनी सुंदर एक काया सामने खड़ी हो गई। और देवताओं ने पूछा, ये कौन है, ये कौन है? तो भगवान ने कहा, इनके बिना मैं आधा हूं, इनसे ही मैं पूरा हूं, जब ये मेरे साथ हैं तभी मैं पूरा हूं, ये मेरी खुद की सत्ता है। इनका नाम क्या है? तो मुंह से भगवान के निकल गया, इनका नाम राधा, 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 इनका नाम राधा है। भगवान ने नाम रख दिया राधा। अब वो कोई चीज प्रकट हो गई तो भगवान ने कहा, चलो अब वहां काम में आना, द्वापर में हमारी लीला के साथ। बिना शक्ति के कोई कार्य संपन्न होगा? भैया शिव तो सब है अगर उमा साथ नहीं, और वो जो सबसे बड़े हैं वो तो सोए हुए हैं क्षीर सागर में, लक्ष्मी जी तो सारा काम कर रही हैं। एक है कि वो बस केवल उत्पादन में लगे हैं, पर प्राण कौन दे रहा है, जीवन कौन दे रहा है, बुद्धि कौन दे रहा है, किसने बुद्धि दी? वो है ब्रह्माणी। इसलिए एक है जो उत्पादन में लगा है, दूसरे समाधि में है, तीसरे सोए पड़े हैं क्षीर सागर में। ऐसे आनंद के लिए बता रहा था, जो मेजर पोर्टफोलियो हैं वो माताओं के पास है, जो बड़ी बड़ी चीजें हैं, बुद्धि, चातुर्य, क्षमता, प्रतिभा, योग्यता, राधा। तो राधा के प्रदेश में वहां चले आए नंद। किसके लिए चले आए? गौओं के लिए प्रचुर मात्रा में झरने, झील, जलाशय मिले, सरोवर मिले गौचारण के लिए। नंद ने घोषणा की कि यहां हम उन्मत्त स्वच्छंद होकर विहार नहीं कर पा रहे, धनुकासुर आ रहा है, यहां वत्सासुर आ रहा है, हमारी गौओं को खतरा हो गया है, हम तो असुरों से निपट लेंगे, पर ये जो गौओं के लिए, गौवंश के लिए जो बड़ा संकट है, इसके लिए चलो यहां से निकलते हैं। ये धनुकासुर, वत्सासुर, बकासुर, इस अघासुर से बचने के लिए जो सीधे सीधे गौ पर प्रहार कर रहे हैं, गौवंश पर प्रहार कर रहे हैं, इस गौ की रक्षा के लिए यहां से निकलो। मैं अपने मित्र के पास जाऊंगा, वो अगवानी करने खड़ा हो जाएगा, और वृषभानु जी नंद का सम्मान करने के लिए पहुंच गए। गोकुल से निकले नंद बाबा और बरसाने पहुंचे, और बरसाने से पहले ही नंद गांव भी उन्हीं का था, उन सीमाओं में आकर खड़े हो गए वृषभानु, हाथ जोड़कर वंदन किया नंद का। और नंद ने कहा कि कुछ मांगने आया हूं। वृषभानु ने कहा, दूर दूर तक जितनी भूमि दिखाई देती है, दूर दूर तक जितने कुंज निकुंज, वन उपवन और झील जलाशय दिखाई देते हैं, खेत खलियान दूर दूर तक जहां तक दिखाई देता है, ये आज से आपका हो गया, बस मैं तो एक गांव में वास करूंगा, बरसाना इतनी सी संपत्ति मेरी, बाकी सब आपकी।
तो आप देखेंगे चंद्राकार में पूरा व्रज बसा हुआ है, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, वृंदावन, ऐसे आप देखेंगे एक धनुषाकार, ऐसा लगता है एक धनुष है पूरा। आप ऐसे देखें पहला नंदगांव, फिर बरसाना है, गोवर्धन, वृंदावन, एक धनुषाकार, ये सब वस्तुएं आपकी, ये बहुत भीतर की बात है, अपने लिए नहीं, गौ रक्षा के लिए, गौ वंश के संवर्धन के लिए, गौ के पोषण के लिए, प्रचुर मात्रा में गौचर भूमि मिले और वो वहां चले आए। भगवान ने गौचारण की लीला सबसे पहले वहां की, ब्रज में आते ही भगवान ने गौचारण किया, क्योंकि भगवान इसीलिए इस धरती पर है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। कोई पूछे कृष्ण किस लिए इस धरती पर है, नमो ब्रह्मण्य देवाय, किस लिए, हे ब्रह्मण्य, हे ईश्वर तुझे प्रणाम है, किसके लिए, गौ ब्राह्मण हिताय च। और हाँ इसीलिए तो आते हैं, विप्रध्यान सुर संत हित लीन मनुज अवतार, गौ रक्षा के लिए, गौ संवर्धन के लिए। बहुत ही संकोच में एक बात कह रहा हूं, एक मेरे मित्र सन्यासी कोई बहुत पहले वो रहते थे उत्तर काशी में, बड़े विनोदी स्वभाव के थे, प्रचंड वेदांती, कई विषयों के वो आचार्य, और वो कहने लगे एक दिन हंसी हंसी में कि गौवें चराते चराते कोई ब्रह्म हो गया, गीता कहने से गया, उसे परमात्मा मानने लगे, और कोई और नाम नहीं उसका, गोपाल है नाम, क्योंकि उसने गौवें चराए। ईश्वर का नाम क्या है, गोपाल, गोविंद। इस धरती पर सबसे सुंदर कोई वस्तु है तो वो गौ ही है, जिसका मल मूत्र, मल मूत्र नहीं कहलाता, गोबर। जब सब देवता निकल पड़े गौ में चलने के लिए, गौ में वास करने के लिए, लक्ष्मी जी रुक गई थीं, वो ठिठक गई थीं, उन्होंने कहा कि मेरा धाम इतना सुंदर है मैं कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन वो बिल्कुल अकेली रह गई। जब पता लगा पार्वती, ब्रह्माणी और सब देवांगनाएं, सुरबालाएं, यज्ञ पत्नियां, ऋषि और यक्ष, गंधर्व, किन्नर, देव, सब गौ में वास कर गए, तब लक्ष्मी जी आकर खड़ी हुई और लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं कहां रहूं, तो गौ ने कहा मेरे रोम रोम में सब रम गए, अब कोई स्थान नहीं बचा है। तो लक्ष्मी ने कहा मैं खुद ढूंढ लेती हूं, कोई तो स्थान बचा होगा। और तब लक्ष्मी ने कहा एक चीज है आपकी जिसमें कोई नहीं है और उसका नाम है गोबर, मैं उसमें रहूंगी। तो गोबर में लक्ष्मी जी का वास हो गया। वर कहते हैं श्रेष्ठ को, तो गौ का सर्वाधिक श्रेष्ठ कोई भाग है तो उसका नाम है गोबर। पिछले दिनों जब हम लोग महाराष्ट्र में गए, मध्यपालपुर की गौशाला में, कुछ विद्वानों ने बड़ी सुंदर सी बातें बताई कि गौ के गोबर के ऊपर जो श्वेत रंग की झिल्ली आती है, जब गाय गोबर देती है तो उसके ऊपर एक झिल्ली आ जाती है श्वेत रंग की, उसे वेदों में करिष्णी कहा गया, गंधत द्वारा दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करिष्णी, वो करिष्णी है जो पुष्टि के लिए है, परजन्यों को बुलाने के लिए, धरती की गंध को सहेजने के लिए, उर्वरा में असंतुलन न हो, अन्न में विकृति न हो और किसी भी तरह से धरती में को दोष न आने पाए। तो जब कभी विपुल मात्रा में वो झिल्ली होती होगी गौ के ऊपर, तो वो परजन्यों को, बादलों को बुलाती थी, तो बादलों को वो बुलाती थी, और जब तक वो गौ का था धरा पर पदार्थ गोबर, अकाल, दुकाल, अतिवृष्टि, अतिवृष्टि और अनावृष्टि या कि महामारी, कभी नहीं हुई, कभी नहीं। कभी प्रयोग करके देखना, अपने जब देश में जाओ राजस्थान, अपने देश जब गुजरात में जाओ, हरियाणा में, उत्तर भारत में, प्राय आप वहीं से हैं सब, जहां बहुत गर्मी पड़ती है ग्रीष्म काल में, वहां जाकर देखना, या इसी प्रदेश में देखना,
यहां तो कोई बता रहे थे कि दो दो यहां पर वेदर हैं, दो दो ऋतु हैं, एक तो गर्मी पड़ती है यहां और एक बहुत गर्मी पड़ती है। कोई बता रहे थे कि यहां पे ना हमारे ये दो क्लाइमेट हैं, दो वेदर हैं। दो कौन कौन से हैं भैया? एक तो गर्मी पड़ती है यहां पर और दूसरी बहुत गर्मी पड़ती है। जो गाय का गोबर है उसमें उंगली डालकर देखना तो जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर है उतना टेम्परेचर गाय के गोबर का मिलेगा। कब? जब बाहर टेम्परेचर 45 है, 46 है, 47 है और उससे भी अधिक शूटअप हो गया है। जब टेम्परेचर बहुत चला जाए तो गाय के गोबर को छू के देखना उसमें कितना टेम्परेचर रहता है। घंटों गाय के गोबर में वही टेम्परेचर रहता है जो आपके बॉडी का टेम्परेचर है। इतनी महंगी चीज है गाय का गोबर, गौमूत्र, गौ का दधि, गौ का घृत, गौ का मक्खन, तक्र। जो विष है शरीर का, मन का, वो तक्र से ठीक होता है। गाय का सबसे महंगा पदार्थ तक्र है। तक्र माने मट्ठा, तक्र माने छाछ। जब छाछ शरीर में जाती है तो वो शरीर के विष को बाहर निकाल देती है। हमें तो विद्वानों ने यहां तक बताया, महापुरुषों ने, संतों ने, सत्पुरुषों ने, उन्होंने कहा कितना ही सर में दर्द हो, शिरोवेदन हो, गाय को छू लीजिए, कुछ ही देर के बाद दर्द भाग जाएगा। वो किस तरह से पॉजिटिव एनर्जी देती है। आप सैड हैं, मन अशांत है, व्यग्र है, चपलता है, चिंता है, आप गौ के पास चले जाइए, उसकी प्रदक्षिणा करना है, जिसमें से इतनी तीव्र और निरंतर बहुत अधिक सकारात्मक तरंगें निकलती हैं, वो गाय की पूंछ है। कहीं गाय की पूंछ छू लें आप, फिर देखें आपके शरीर में कितनी एनर्जी चली जाएगी। जब आप गुड़ खिलाएं गाय को, दोनों हाथों में गुड़ रखिए और उसकी सांस जब आपके शरीर को छुएगी तो किस तरह से शरीर में एक अलग ऊर्जा भर देगी। भैंस का बच्चा तो अपनी मां को पहचानता नहीं, ना उसकी मां पहचानती उसे, और 100,000 गौओं में गाय का बच्चा अपनी मां को पहचानता है। 100,000 बछड़ों में गाय अपने बछड़े के पास आकर खड़ी हो जाएगी। ये काफी दिनों से बात कह रहा हूं मैं और एक ही बार बोलूंगा बस। अगर आपके सच में पुण्य अच्छे हैं फिर तो समझ में आ जाएगी, अन्यथा नहीं आएगी ये बात। बिना पुण्य के नहीं समझ सकते आप। एक ही बार बोलेंगे हम, वो बात यह है कि अगर अपनी बात देवताओं तक पहुंचानी हो तो मंत्र आदि यज्ञ विधान है। यज्ञ करने के बाद, मंत्र जप तपस्या करने के बाद आप देवताओं से कनेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आपके पास इतना तप नहीं है, जप नहीं है, आध्यात्मिक अनुष्ठान नहीं है, इतना बड़ा यज्ञ और उसकी रचना विधान आप नहीं कर सकते। एक काम करना, गाय के कान में कह देना कोई बात, ईश्वर तक पहुंच जाएगी। कान में बोलना है बस उसके, उसका जो उसकी जो रचना है, उसकी जो संरचना है, उसका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, जो पूरा शरीर उसके भीतर का है, वो उस तरह से गूंज करते हुए। अरे कुछ धातुएं हैं उनको इकट्ठा कर लो और उन्हें बजा कर देखो कितनी देर तक स्पंदन रहते हैं। पहाड़ों में जाइए एक बार, ओम बोल कर देखो, बद्री केदार की पहाड़ियों में बहुत देर तक अपनी आवाज सुनते रहो, पहाड़ गूंजते रहते हैं, गूंजते रहते हैं। शंख बजा कर देखो कितनी देर तक कंपन रहता है शरीर में। गाय के शरीर में सबसे सुंदर एक चीज है, उसका नाम है गौ का कान। भैया वहां से तो गौरोचन निकलता है। जो गाय के कान का मैल है उसका नाम है गौरोचन। गाय के कान का मैल, इसमें उसमें इतनी सुगंध है,
कि हजार कस्तूरियों से भी कहीं अधिक है। वो एक बार मस्तक पर नन्ना सा कण भी आपके लग गया, एक बार भी गौरोचन माथे को आपको छू गया, शांत वैचारिक प्रवाह शांत हो जाते, वृत्तियां स्थिर हो जाती, कोई हलचल नहीं रहती। जो समाधि का एक जो की अवस्था है वो गौरोचन के स्पर्श है। गाय की चीजें इतनी महंगी हैं, तो एक और बात कह रहे हैं जो बड़े विश्वास के साथ बात कह रहे हैं, अगर आपको अवसाद है, भय है, चिंता है, अनिद्रा है, असुरक्षा की भावना है, अकारण आप में कोई भ्रम है, संशय है, कोई रोग है किसी प्रकार का, तन का, मन का, बुद्धि का, बहुत विश्वास के साथ बात सुनना, 6 महीने केवल काओ प्रोडक्ट डिपॉजिट कीजिए बॉडी में, केवल काओ, केवल गौ के पदार्थ, गाय का पदार्थ यानी दूध के रूप में, दधि घृत के रूप में, माखन मूत्र और गोबर के रूप में, और कुछ नहीं। वो ऋतु के अनुसार, जैसे हाँ संक्रांति बिल्कुल स्टार्ट हो गई, अब ये जो उत्तरायण है अब से, और जब तक दक्षिणायन नहीं आता ये 6 महीने, वो कोई और ऐसे इंग्लिश डेट के हिसाब से नहीं कि आज भी आएगी 11, 12, 13, ना ना नक्षत्र के हिसाब से चलना, पूरे 6 महीने एक अयन उत्तरायण अथवा दक्षिणायन, फिर इसमें कोई एक मास अथवा कोई एक पक्ष, वो प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा अथवा पूर्णिमा से अमावस्या तक, या फिर कोई एक सप्ताह अथवा फिर कोई एक पूरा अहिर्निश 24 घंटे का वो एक नक्षत्र का कोई प्रभाव। आप ऐसा करें केवल गाय के ही पदार्थ लें, भैंस का, और भाई मैं बहुत संकोच के साथ बात कह रहा हूं, वो जितने रिफाइंड हैं वो और ये ऐसी चीजें आउट कर दो, घर से बाहर कर दीजिए, वो जितना भयंकर साइनाइड हो सकता है इस तरह से उसे मान के आउट कर दीजिए, भैंस की हर चीज को। और जिस दिन 6 महीने आपके घर में ये जो सारी चीजें जो बता रहा हूं मैं, रिफाइंड है और ये डल्डा है कि घासलेट है कि वनस्पति है, और महेशमती वो महिषासुर की बहन भैंस की चीजें हैं, इन्हें बाहर करिए 6 महीने के लिए। और अगर आपके घर में गाय का, केवल गाय का घी, दूध, दही आ सका, 6 महीने के बाद के परिणाम कुछ और होंगे, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, आनंद, स्फूर्ति, निद्रा समय पर आएगी, बुलाना नहीं पड़ेगा, पाचक रस, स्फूर्ति, शरीर में से गंध, एक उमंग, एक तरंग गुनगुनाने का मन करेगा, और जो कभी नहीं नाचे वो चुटकी बजाकर बाथरूम में गुनगुनाएंगे। गाय तरंग देती है, उसका दूध पी के बालक उछलता है, और भैंस का बालक दूध पीने के बाद सोता है, भैंस का दूध निद्रा देता है। एक और बात बताएं, कामोद्दीपन पैदा करता है, तो पूरे संसार में भैंस का दूध कहां पिया जाता है, केवल भारत में और कहीं नहीं। पूरे संसार में भैंस का दूध कहां पिया जाता है, भारत में और कहीं नहीं, कोई नहीं पीता। वो एक अलग बात है क्योंकि गौएं भी उसी तरीके की हैं। गौचारण, जो गौ के शरण में पहुंच गया, जिसने गौ छू ली, जिसे गुरु मिल गया, गंगा मिल गई, गायत्री मिल गई, गीता मिल गई, ये पंच गकार तारण के हैं, उद्धार के लिए, मांगल्य के लिए, ये आपके अंधकार को छिन्न भिन्न कर आपको प्रकाश देने के लिए हैं। इसलिए भारत के प्राणी को पंच गकार की साधना करनी चाहिए, पहला गुरु, गौ, गंगा, गीता, गायत्री। गायत्री माने मंत्र। ब्रज में जैसे ही भगवान आए तो पहली उनकी लीला
गौचारण की है। इत गाय उत गाय गोविंद गाय के गुण गाए, इत गाय उत गाय गोविंद गाय के गुण गाए, गाय माए पाछे धाए गोविंद गाय के गुण गाए। एक झुंड सो देखो गौओं का, दाएं बाएं चारों तरफ इधर उधर गौएं, तो कोई गौ के पास जाकर देखे। जो गौ ग्रास की बात कही गई हमारी संस्कृति में, उसका अर्थ यही है कि कैसे ही सवेरे उठकर गौ तक पहुंचे, आपके कदम गौ तक पहुंचे, उसकी श्वास आपके शरीर को छू सके, तो कहीं उससे आपका स्पर्श हो सके, कहीं आप वहां पहुंच सके, बात कुछ और हो जाएगी। गौचारण के लिए जिसमें श्रीदामा मधुमंगल तोष प्रतोष सुबल श्रीदाम ये सब के सब भगवान के साथ। राधा का भाई श्रीदामा वैभव विसार कर कृष्ण का अनुचर बन गया। सुबल जिसके पास बड़ा बल था, प्रतोष जो तुष्टि का कारण था, ये सब के सब भगवान के सहायक बन गए और गाय के पीछे दौड़ रहे हैं भगवान। वो गोविंद बन गए, गौ से गोविंद हैं, वो गोपाल बन गए, गौ से ही वो गोपाल हैं। तो गौ बड़ा साधन है। एक और बात कहना चाहूंगा मैं, जितने आध्यात्मिक साधन है वो गौ से ही संपन्न होंगे। मुझे हृदय से क्षमा कर देना और बहुत बड़ी अधिक मैं क्षमा मांग रहा हूं, यज्ञ अगर भैंस के घी से करोगे तो वो न केवल अपवित्र है बल्कि वो पाप का कारण भी है। भैंस के घी से जब स्वाहा स्वाहा होते हुए यज्ञ होगा तो वातावरण अपवित्र हो जाएगा, असंतुलन हो जाएगा, व्यतिक्रम हो जाएगा, विषाणु फैल जाएंगे, शरीर में विकृति हो जाएगी। यज्ञ भैंस के घी से नहीं बताया भाई, कौन कहता है यज्ञ में भैंस चाहिए, यज्ञ में तो गौ चाहिए। जो भैंस का घी है उससे तो और असंतुलन होता है, पर्यावरण में विकृति आती है, मानसिक उन्माद आता है, अनेक बीमारियां पैदा हो जाती है। कौन कहता है यज्ञ करो, किसने कहा आपको यज्ञ करने के लिए, क्यों कर रहे हैं यज्ञ जब आपको यज्ञ करना नहीं आता। यज्ञ तो विधान का नाम है, नाम जपिए सीधे सीधे, पर यज्ञ करना है तो उसमें पहला साधन गौ है। यज्ञ केवल त्रेता में हुआ करता था और सतयुग में यज्ञ होता था, त्रेता तक चला, द्वापर में यज्ञ हुआ ही नहीं। द्वापर में हुआ तो जैसे तैसे एक सफल हुआ यज्ञ, वो भी भगवान की कृपा से। यज्ञ विधान का नाम है जिसमें अनिवार्य रूप से एक ही पदार्थ चाहिए यज्ञ की सिद्धि के लिए, उसका नाम है गौ। उसमें गौ घृत चाहिए, उसमें गौ दुग्ध चाहिए, उसमें गौ रज चाहिए, गौ मूत्र चाहिए, तभी वो संपन्न होगा। इस धरती में एक ही प्राणी ऐसा है जिस प्राणी के मूत्र को उबालने के बाद मावा या खोया बन जाता है और उसका नाम है गौ। उसके मूत्र को आप औटाएंगे तो खोया बन जाएगा, मावा बन जाएगा, उसकी गोलियां बना लीजिए। वो इतनी अद्भुत वस्तु है। तो आपके घर में पंच गकार की साधना होनी चाहिए। गुरु गुरु करते संतों को, महापुरुषों को, गुरु श्रद्धा से प्रकट होती है। गुरु सत्ता, गुरु देह नहीं है, गुरु किसी व्यक्ति को नहीं कहते, गुरु किसी साधु का नाम नहीं है, गुरु माने श्रद्धा। तो श्रद्धा में गुरु तत्व जागृत होता है। गीता किंचित गीता भगवद गीता गंगा जल लब कणिका पीता, भगवान शंकराचार्य ने कहा तरने के ये साधन है कि थोड़ा गीता पढ़िए, गुरुजनों के उपदेश को धारण कीजिए, गंगा जल लब कणिका पीता, थोड़ा गंगा जल लें और गौ की सेवा करें। तो जितना संभव हो सके एक बार गौ को अपने जीवन में लाएं। भगवान की गौचरण की लीला समझाई गई है, बड़ी लंबी कथाएं हैं जिसमें भगवान का चरित्र है, जिसमें गोपांगनाओं का चरित्र है और कंस का वध
कल भगवान का विवाह रुक्मणी, विवाह के साथ साथ सुदामा चरित्र, और ऐसे परीक्षित मोक्ष तक की अनेक कथाओं के लिए हम आगे बढ़ेंगे। आइए एक दोबार भगवान का नाम लेते हैं। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव शिव शिव बोल, केशव माधव हरि।